अभी ठीक है वॉइस? अभी आ रही है, कुछ माइक का इश्यू है। चलो ठीक है, डन है डन है डन है। अभी ठीक है वॉइस? अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ऑडिबल नाउ? चकाचक। चलो जी, एक लिख रहा है प्रमोशन खराब। चलो कुल मिला के बस मैं ये कहना चाह रहा था भाई कि अभी अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, देख लेना। 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको RMN10 का कोड यूज करने पे, और आपका CAT 23 का सब्सक्रिप्शन 19,000 के आसपास का, और आपका CAT 23 अगर आप आइकॉनिक लेते हैं 30,000। चलो जी, मुद्दे की बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करेंगे, दैट इज बोट एंड स्ट्रीम। एंड बोट एंड स्ट्रीम पे हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे अबाउट मतलब क्वांट्स के फॉर्मुला बुक करके सीरीज चल रही है, जिसमें कि सारे चैप्टर के जो भी शॉर्ट ट्रिक टेक्निक्स है वो सारी चीजें सम अप करेंगे। स्टार्ट मैंने किया था विद द टॉपिक लॉग। सबसे पहले मैंने लॉग की कहानी सम अप करी थी, सॉरी स्टार्ट मैंने किया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ, उसके बाद मैंने लॉग की कहानी सम अप करी, और एक क्लास मैंने ली थी परसेंटेज पे, जो कि हमारा टॉपिक होता है सक्सेसिव परसेंटेज, उसको भी सम अप किया था। आज हम लोग बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम पर, और बोट एंड स्ट्रीम का सेशन जो भी आज ये 1.5 आवर का सेशन होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं बोट एंड स्ट्रीम में जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक है, टेक्निक्स है, डायरेक्ट रिजल्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे सम अप हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देन उसके बाद आप क्या करना, आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, चाहे आप अनअकैडमी के स्टूडेंट है या कहीं के भी है, देन आप जा करके अपनी बुक में से बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फॉर श्योर आपको इश्यू प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो सर, अब स्टार्ट करें डिस्कशन। चलो आते हैं मुद्दे पे और शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ये बोट एंड स्ट्रीम की कहानी होती क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं वन बाय वन, आराम से तसल्ली से एक एक करके चीजों को समझेंगे। देखो सर, आने वाले 10 मिनट आप आराम से पहले बोट एंड स्ट्रीम की कहानी समझ लो, आने वाले 10 मिनट पहले बोट एंड स्ट्रीम की कहानी समझ लो, उसके बाद फॉर्मुले पे बात करेंगे, देन सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में देखो सिंपल सा फंडा है क्या, बोट एंड स्ट्रीम में कुल मिला के ये होता है कि जैसे सपोज मैं हूं, मेरी एक खुद की स्विमिंग स्पीड होगी, मतलब कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है, ये एक स्विमिंग पूल है, और इसमें जो पानी है वो रुका हुआ है, रिवर नहीं है, रिवर में पानी बह रहा होता है, मतलब रिवर में जो पानी होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन स्विमिंग पूल की अगर मैं बात करूं वहां पर पानी रुका हुआ होता है। अगर मैं किसी स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा हूं और मेरी जो स्पीड आ रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो जो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये मेरी खुद की स्पीड है, इसमें पानी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज आदमी की स्पीड, राइट, कि आदमी कितने की स्पीड से रुके हुए पानी में स्विम करता है। और मान लो जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है आपके सामने, रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में आदमी की स्पीड क्या है। मान लो कि रुके हुए पानी में जो आदमी की स्पीड है वो है सर M किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि जो आदमी है वो रुके हुए पानी में कितने की स्पीड से स्विम करता है, दैट इज M किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद अगर जिस रिवर में मैं स्विम करने के लिए गया, अगर वो रिवर जो है वो बह रही है, जैसे रिवर तो ऑब्वियसली रुकी हुई नहीं रहती, रिवर में पानी फ्लो कर रहा होता है, अब जो पानी है सपोज वो R किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है, जो रिवर की स्पीड है वो है R किलोमीटर पर आवर। अब देखो मेरी स्पीड अगर मान लो ये रिवर है सपोज, ठीक है, ये रिवर है और रिवर की डायरेक्शन ऐसी है जैसे मैंने एरो बना रखी है, ठीक है। अब इसमें एक आदमी आता है, अब इसमें एक आदमी आया स्विम करने के लिए, और मान लो यहां पर एक आदमी इसमें स्विम कर रहा है, अब जो मैन की स्पीड है सपोज वो 3 है और रिवर की स्पीड 2 है, तो अगर आदमी रिवर के साथ साथ स्विम कर रहा है तो 3 की स्पीड से तो मैं स्विम कर रहा हूं और 2 की स्पीड से रिवर मेरे को पुश कर रही है, तो मेरी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, आई गेस बता सकते हैं सभी कि सर आपकी ओवरऑल स्पीड हो जाएगी 5। लेकिन अगर मान लो कि रिवर की डायरेक्शन ऐसे है और आदमी स्विम कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आदमी 3 की स्पीड से आगे आ रहा है पर रिवर 2 की स्पीड से उसको रोक रही है, मतलब पीछे लेके जा रही है। 3 की स्पीड से आदमी आगे आया, रिवर 2 की स्पीड से उसको पीछे कर रही है, तो आदमी जो है उसकी स्पीड ओवरऑल, उसकी नेट स्पीड कितनी आएगी, दैट इज सर अगर आदमी की स्पीड है 3 और रिवर की स्पीड है 2, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी आदमी स्विम कर रहा है अगेंस्ट द रिवर, तो वहां पर आदमी की स्पीड कितनी होगी सर, ऐसे में नेट स्पीड 1 आएगी, मतलब स्पीड माइनस हो जाएगी।
यहां बैठे सभी बच्चों को यह बात पता है, यस और नो? अग्रिमा, अनन्या, प्रिया, नजराना, जय श्री कृष्ण, ठीक है, सबको ये बात क्लियर है, बहुत ही बेसिक सी बात है, राइट है, यस और नो? राइट, बहुत सिंपल सी बात है, शुक्रिया भाई मोहित, बिग फैन, ठीक है, डन है, सिंपल कहानी, ठीक है। तो यहां पर मुद्दे की बात करते हैं, तो सर कुल मिला के बात यह है, रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वॉटर, आदमी की स्पीड रुके हुए पानी में कितनी है? सर मान लेते हैं एम किलोमीटर पर आर। अगर मैं बात करूं रोइंग स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम या फिर रिवर, मतलब रिवर की स्पीड क्या है, तो सर रिवर की स्पीड है, लेट्स से दैट इज आर किलोमीटर पर आर। अब उसके बाद अगला सीन आता है सर, अगर जो है रोइंग स्पीड ऑफ मैन अलोंग द रिवर, मतलब अगर आदमी रिवर के साथ साथ स्विम कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर उसी डायरेक्शन में आदमी स्विम कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम केस। तो आदमी की तीन तरह की स्पीड होती है, एक होती है स्टिल वाटर में, एक होती है स्टिल वाटर में, एक होती है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है आदमी रिवर के साथ साथ स्विम कर रहा है, एक होती है अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द रिवर मतलब अप स्ट्रीम, जब आदमी रिवर के अगेंस्ट स्विम करता है, राइट right? तो जब आदमी रिवर के साथ साथ स्विम करता है उसकी स्पीड हो जाती है एम प्लस आर, ठीक है, और अगर वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो सर स्पीड हो जाएगी एम माइनस आर। आई होप ये छोटी सी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो? सिंपल सी बात है कि सर सीधी सी बात है, तीन तरह की चीजें होती है, एक है भैया आदमी स्टिल वाटर में कितने की स्पीड से जा रहा है एम, रिवर की स्पीड आर। अब आदमी गया रिवर में, जब आदमी जाएगा रिवर में तो या तो वो रिवर के साथ साथ स्विम करेगा या फिर रिवर के अगेंस्ट स्विम करेगा, अगर साथ साथ कर रहा है तो एम प्लस आर, अगेंस्ट कर रहा है तो एम माइनस आर, सिंपल सी बात है, बढ़िया, आगे सुनना। अब यहां पे अगला पॉइंट आता है कि सर कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि आदमी की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो होती है एम प्लस आर और आदमी की जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो होती है एम माइनस आर। तो अगर सर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करूं तो आर से आर कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा डी प्लस यू और ये हो जाएगा सर टू एम, तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज सर d प्लस यू अपॉन 2। तो ये बात सभी ध्यान रखेंगे कि अगर मैन की स्पीड निकालनी है तो d प्लस यू बाई 2। इसी तरह सर डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है m प्लस आर, अप स्ट्रीम स्पीड होती है दैट इज m माइनस आर। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो और अगर आप m को एलिमिनेट कर दो तो सर साइन चेंज करो ताकि m एलिमिनेट हो जाए। अब ये क्या हो गया सर d माइनस यू, ये कितना हो गया 2r, तो सर यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज d माइनस यू अपॉन 2। क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर है सभी को? तो इन शॉर्ट कहानी को पूरा समअप किया जाए तो सर कुल मिला के ये समझ में आया कि अगर तो मुझे m निकालना है, अगर मुझे m निकालना है, m का मतलब होता है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वॉटर, अगर सर मुझे आदमी की स्पीड बतानी है तो मैं क्या करूंगा सर, मैं d प्लस यू अपॉन 2 करूंगा। अगर मुझे r मतलब रिवर की स्पीड निकालनी है तो सर मैं d माइनस यू अपॉन 2 करूंगा। अगर सर मुझे d निकालना है, d का मतलब स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम, तो सर मैं क्या करूंगा, दैट इज m प्लस r। और अगर सर मुझे स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम बताना है कि अप स्ट्रीम वाइज आदमी की स्पीड कितनी है, तो दैट इज m माइनस r। डन है जी बात, ये छोटी सी कहानी आई गेस सभी बच्चों को क्लियर है, राइट है। अब एक बार फाइनल वाला बताओ चैट के थ्रू कि फटाफट से सर कि हाँ सर बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब तो हमें पता है सर, आदमी की स्पीड m है, रिवर की स्पीड r है, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है m प्लस r, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है m माइनस r, अगर आदमी की स्पीड निकालनी है स्टिल वॉटर में तो m d प्लस यू अपॉन 2, अगर रिवर की स्पीड निकालनी है तो d माइनस यू अपॉन 2, सिंपल बात है। चलो फटाफट से मैं आपके सामने दो चार छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर बताते हुए चलना, ठीक है। पहले ना दो चार थोड़ा अपना हाथ सेट करते हैं, थोड़ा अपना हाथ सेट कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। एक दो चीजें मैं आपसे छोटी छोटी पूछूंगा, आप बताना। अगर मान लो डी की वैल्यू है दैट इज 6 किलोमीटर पर आर और यू की वैल्यू है दैट इज 4 किलोमीटर पर आर, तो एम की वैल्यू क्या होगी? अगला, अगर m की वैल्यू है लेट से 10 किलोमीटर पर आर, अप स्ट्रीम स्पीड है 7 किलोमीटर पर आर, तो सर रिवर की स्पीड क्या होगी बता दो। उसके बाद एक और लिखता हूं मैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर
आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड है दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में मैन की स्पीड क्या होगी ये बता दो। और एक लास्ट और लिखना, एक लास्ट और लिखना दैट इज कि अगर अप स्ट्रीम स्पीड है, लेट से अप स्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी ये बताओ। ये कुछ चार पांच छोटी छोटी बातें, इनको बताना। पहले तो पहले थोड़ा हाथ सेट करते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा सा हाथ सेट करते हैं कि अगर डाउन है 6, अप है आपका 4, ठीक है। एक काम करो, चैट में चारों के आंसर एक ही बारी में लिख दो, चैट में चारों के आंसर एक ही बारी में लिख दो। ओके, विजय का कहना है 5, 3, 7 एंड 12। ओके, चेतन का कहना है 8.5। अच्छा, हटा दिया। हाँ जी, बाकियों के हिसाब से 5, 3/2, 7 एंड 12, 5, 1.5। चलो ठीक है, अब एक बार आप लोग क्रॉस चेक करना कि आप लोग के आंसर करेक्ट है या नहीं। सबसे पहला मैंने बोला, मैंने आपको d की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको d दे रखा है 6, u दे रखा है 4, मैंने कहा m बताओ, तो आप कहोगे सर बता देंगे, क्या बड़ी बात है, फॉर्मूला पता है सर हमें सीधा सीधा। m की वैल्यू क्या होती है सर? m की वैल्यू होती है d प्लस u अपॉन 2, यानी सर 6 + 4 / 2 आंसर आया 5। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगला मैंने सर आपको दे रखा है n की वैल्यू 10, u की वैल्यू 7, r आपको बताना है कितना होगा। तो आपने बोला कि सर u इज इक्वल टू होता है m माइनस r, आपने u की वैल्यू बोली है 7, m आपने बोला है 10, r मुझे निकालना है, तो सर r की वैल्यू यहां से आ गई मेरी 3, ठीक है, r की वैल्यू 3। उसके बाद अगला मैंने दिया, मैंने कहा रिवर की स्पीड है 5, डाउन स्ट्रीम है 12, आदमी की स्पीड क्या होगी? आपने कहा कि सर डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है दैट इज m प्लस r, आपने सर डाउन स्ट्रीम स्पीड बता रखी है 12, m की वैल्यू मुझे नहीं पता, r की वैल्यू कितनी है 5, तो सर यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 7। इधर आते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज u की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 2 है, d आपको बताना है कितना होगा। सर हमें पता है r इज इक्वल टू, r मतलब 2 इज इक्वल टू d माइनस u अपॉन 2, तो d माइनस 10 अपॉन 2, 2 2 4, 10 ऐड करो, d की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी, ठीक है। तो ये आंसर होंगे कहीं ना कहीं आपके दैट इज 5, 3, 7 एंड 14। अब एक बार चेक कर ले सर, एक सेकंड, ये अलग अलग से आंसर क्यों दिख रहे हैं मुझे? पहला वाला 5 बिल्कुल सही है, अगला वाला अगर मैं बात करूं दैट इज 10 3, हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है, अगर इसकी बात करें 7 5 12, ये भी ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी ठीक है, लेकिन कुछ अलग से आंसर दिखे मुझे चैट में। थ्री बाय टू, यहां पे बाय टू क्यों लगा रखा है कई बच्चों ने? करण का ठीक है, करण ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया सारे, अग्रिमा चलो डन है, समझ आ गया सभी को, एक बार बताना चैट के थ्रू, ठीक है, डन क्लियर, बढ़िया, थोड़ा आइडिया लगा चीजों का। चलो फटाफट से एक और करो यार, मजा नहीं आया मेरे को, ठीक है एक और करो जरा, थोड़ा सही नहीं हुआ, ठीक है चलो एक और बताना फटाफट से, एक और करो, हाथ सेट करो अपना फटाफट से। अगर यू की वैल्यू सपोज है, यू की वैल्यू मैंने दे रखी है 7 किलोमीटर पर आर, फिर मैं आता हूं सीधा मेन क्वेश्चन पे, लेकिन एक बार अपना हाथ सेट करो यार दोबारा। आर की वैल्यू लेट से है आपकी, आर की वैल्यू है आपकी लेट से, आर की वैल्यू है सपोज 40, तो आपको बताना है डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ठीक है। एक और कर दो लास्ट, इसमें आप लिखना कि अगर m की वैल्यू है लेट से आपका दैट इज 12, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड है आपकी लेट से 14, तो सर ऐसे में अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ठीक है ये दो बताओ।
अगर अपस्ट्रीम स्पीड है 7, रिवर की स्पीड है 14, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? अगर एम की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है 14, तो यू की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि क्या नाम है, भव्य, भव्य, क्योंकि उसमें ना मैंने मैन की दे रखी थी स्पीड, मैं आपने बोला सर डी माइनस यू अपॉन टू, तो उसमें मैंने डी और यू नहीं दिया था, ठीक है भव्य, एक बार क्रॉस चेक करना दोबारा, डन। चलो अभी देखें क्या क्या आंसर है। 35 और 10, 35 और 10 कहना है सबका, 35 10, 35 10, 35 10, डन। चलो देखते हैं एक बार, यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या दे रखा है, दैट इज आर की वैल्यू मुझे पता है कैसे निकालते हैं सर, आर की वैल्यू होती है यानी 14 इज इक्वल टू डी माइनस यू अपॉन टू, तो ये होगा 14 2 28 और 7 कितना हो गया सर, ये हो गया 35, डन। इधर अगर मैं बात करूं तो सर m की वैल्यू क्या होती है, m होता है m विच इज 12 इज इक्वल टू d मतलब 14 प्लस u अपॉन 2, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी। अभी ठीक है, अब की बार सबने सही बताया, बढ़िया जी, बहुत अच्छे। चलो सबसे पहले ये आप ध्यान रखना कि नॉर्मली क्या होता है, आपको कोई भी दो स्पीड देके तीसरी स्पीड आपसे पूछी जाती है, राइट। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने कुछ इस तरह का, एक बार फटाफट से ट्राई करना, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से ट्राई करें, 1 मिनट ठीक ठाक टाइम होगा इसके लिए, 1 से 1.5 मिनट लेके फटाफट से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। और कोई भी यहां पर इस वीडियो को एज अ टाइम पास के तौर पर नहीं देखेगा कि बस लेके बैठे हुए कि ओहो बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया बोल रहे हो, ठीक है। थोड़ा पेन कॉपी लेके भी बैठे प्लीज, ठीक है। आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, सामने फोन होना चाहिए, क्वेश्चन आपको दिखा, फटाफट से ट्राई करा कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, ट्राई जरूर करना, और एक फ्लो मेंटेन रहने दो, ठीक है। हो सके तो ऐसी जगह बैठो जहां फालतू की डिस्टरबेंस ना हो, बीच में कोई आके आपको चाय ना पकड़ा रहा हो, ये ना बोल रहा हो कि भैया मैगी खाओगे, या फिर कोई आपको काम दे रहा हो कि जाके पानी की बॉटल भर दो फ्रिज में, ये सब नहीं, शांति वाली जगह पे बैठे पेन पेपर लेकर के, और सामने फोन होना चाहिए, फटाफट से ट्राई भी करते रहे, ठीक है। हो सके तो नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, कहीं बीच में पता लगे क्वेश्चन कर रहा मैसेज आ रहा है कि बेबी आप फ्री हो, ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करना है। आंसर आया आप सभी का? क्वेश्चन विजिबल है ना अच्छे से, ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा, पढ़ने में आ रहा है ना, हाँ पढ़ने में तो आ रहा है, ठीक है। ओके, समीक्षा, नहीं यार ज्यादा टाइम लग रहा है आप लोगों को, क्या कर रहे हो। बोट कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और देखो क्या क्या चीज आपको पता है। सर मुझे ये पता है कि जो बोट की स्पीड है, ठीक है, स्टिल वाटर में 36 है, मतलब मुझे बोट की स्पीड पता है, यू कैन से एम की वैल्यू पता है, या बी लिख दो, बोट की स्पीड है तो बी लिख देना, आदमी की स्पीड है एम लिख देना। इन शॉर्ट यहां पर आपको बी की वैल्यू पता है कि सर बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 36, क्या सर, किलोमीटर पर आवर, तो सर मुझे यहां पर बी पता है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या पता है, कहता है ये जो बोट है ये 64 किलोमीटर जाती है अगेंस्ट द रिवर। अगेंस्ट द रिवर का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है इसने अगेंस्ट द रिवर, सर अगेंस्ट द रिवर का मतलब होता है कि बोट अगर अगेंस्ट द रिवर जा रही है तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड बता रखी है, क्योंकि यू का मतलब होता है अपस्ट्रीम स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द रिवर, मतलब रिवर आ रही है ऐसे और बोट जा रही है ऐसे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो यहां पर यू की वैल्यू क्या होगी, तो सर अपने को स्पीड बतानी है, सर डिस्टेंस बता रखा है 64 और टाइम बता रखा है 1 आवर 36 मिनट, तो सर अगर स्पीड बतानी है तो कैसे निकालेंगे सर, 64 डिवाइडेड बाय 1 आवर 36 मिनट,
1 आवर 36 मिनट का मतलब कितने आवर्स हो गए? तो सर 1 आवर का मतलब तो 1 हो गया, प्लस 36 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये कितना होगा? 36/60 कैंसिल आउट किया 3/5, ऐड करो 1 + 3/5 मतलब 8/5। तो यहां पर अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? दैट इज सर 64/8/5। 8 इसको 8 पे कैंसिल आउट करेगा, ये आ गया 40। तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्या इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? यस और नो? ठीक है जी, बात सिंपल सी है कहानी कि अगर आपको यहां पर बताना है कि सर इसकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो सर ये 64 किलोमीटर जाता है 1 आवर 36 मिनट में। 1 आवर 36 मिनट मतलब कितने आवर्स ऑरली किया करो, पेन नहीं चलाना। 1 आवर 36 मिनट, 1 36 मिनट मतलब 36/60 कैंसिल आउट किया 3/5, 1 + 3/5 मतलब 8/5। ऑरली करना होता है, पेन नहीं चलाना होता हर बात पे। तो 40 आ गया। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इस बोट को कितना टाइम लगेगा। आपको टाइम निकालना है, लेकिन किस चीज का? कि जब ये बोट 88 किलोमीटर जाती है अलोंग द रिवर। भैया जब आपको टाइम निकालना होता है तो टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 88। तो यहां पर आपने लिखा टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस यानी 88 अपॉन में स्पीड। किसकी स्पीड? स्पीड किसकी? सर अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर क्या? सर डाउन स्ट्रीम। तो सर मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल के इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर डी, डी मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड से डिवाइड करूंगा। अगर बोट की स्पीड है 36, अपस्ट्रीम स्पीड है 40, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड सर क्या होती वैल्यू? आदमी की स्पीड या फिर बोट की स्पीड, दैट इज 36 इज इक्वल टू डी जो कि नहीं पता, प्लस यू जो कि है 40 डिवाइडेड बाय 2। 36 टू जा कितना होगा सर? 36 टू जा 72। 72 40 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका? दैट इज सर 32 आ गया। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? दैट इज 32। एक सेकंड, ये तो गलत है यार, डाउन स्ट्रीम स्पीड कम कैसे आ सकती है? अप स्ट्रीम है 40, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कम कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। आदमी की स्पीड कितनी है? 36 है ना, आदमी की स्पीड है 36, बोट की 36 है। नहीं गलत है यार, गलत है। डाउनस्ट्रीम कम कैसे आ सकता है? 36 टू जा 72, 40 माइनस करूंगा 32, है ना, डाउन तो आपसे ज्यादा ही होती है, ये तो गलत है। राइट है जी बात, ये सुनो, है ना, ये गलत है। अपस्ट्रीम स्पीड 40 कैसे हो सकती है? सर बोट अगर स्टिल वाटर में 36 की स्पीड से है तो ये 40 नहीं हो सकता। डेटा गलत है क्वेश्चन का, रुको मैं थोड़ा चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन का डेटा गलत है, 36 नहीं हो सकता। आप एक काम करो, फिलहाल इसको 56 लिख दो, फिलहाल बोट की स्पीड आप 56 ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली गलत है यार, मतलब अपस्ट्रीम तो कम होगा ना। तो बोट की स्पीड कितनी है? 56 है, 56 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम अभी अभी हमने निकाला था, दैट वाज 64, और 1 आवर 36 मिनट का मतलब होता है 1 + 3/5 यानी कि 8/5। तो यहां पर आ गया था आपका 8/5, ये आ गया आपका कितना? दैट इज 8/5 = 40। तो सर ये 40 किलोमीटर पर आर हो गया। तो सर पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सर अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो सर बोट की स्पीड दैट इज 56 इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं पता प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। 56 टू जा कितना होता है सर? 56 टू जा हो जाएगा आपका दैट इज 112, राइट, 112। 112 में से 40 माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा आपका? 112 में से 40 माइनस करना 72। तो यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई आपकी? 72 आ गई। बोट की स्पीड 56, ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 72। आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को भी, राइट, क्योंकि ठीक है जी। ओके, अब यहां पे मुझे ट्रैवल कितना करना है? मुझे 88 किलोमीटर ट्रैवल करना है अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर 88 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? सर टाइम होता है डिस्टेंस, विच इज 88 अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड सर अलोंग द रिवर मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, विच इज 72। तो 88/72 मेरा आंसर होगा कि सर मुझे कितने आवर्स लगेंगे। थोड़ा बहुत सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली सॉल्व भी करेंगे, मिनट में निकालना है। तो सर अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो कैंसिल आउट करूंगा, ये मेरा सर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 6 के डबल में कैंसिल आउट करते हैं, राइट, या फिर 4 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 के डबल में ये मेरा चला जाएगा, दैट इज 18 पे, और ये जाएगा 22 पे, ये 11/9 हो जाएगा, 11/9
मतलब कि सर ये हो जाएगा मेरा 1 2 बाय 9 आवर्स, ठीक है। और अगर मिनट में ऑप्शन दिए होंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बात क्लियर है सभी को, यस और नो? एक बार बताना चैट के थ्रू। एग्जैक्टली प्रिया, नहीं वो क्वेश्चन गलत था, मतलब स्टार्टिंग में डेटा गलत था। वहां पर जो मैंने 36 लिखा था, क्योंकि यहां पर हमें यह समझना है कि अगर बोट की स्पीड 36 है तो अपस्ट्रीम 40 कैसे हो सकता है, सेंस नहीं है ना कोई। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम यहां पर एक चीज समझे तो जो आदमी की स्पीड होती है ना स्टिल वाटर में, जिसे मैं एम बोलता हूं, जो आदमी की स्पीड होती है स्टिल वाटर में विच इज एम, वो अप स्ट्रीम से ज्यादा होता है और डाउन स्ट्रीम से कम होता है। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि जब कोई आदमी रिवर के साथ साथ स्विम करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और एक सीन है कि जब वो रुके हुए पानी में स्विम कर रहा है, और एक है जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि रिवर उसकी एक्चुअल स्पीड को डिक्रीज कर रही है। तो अप स्ट्रीम आदमी की स्पीड से कम होता है, एम का मतलब है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करना एक बार आप लोग। राकेश आपने क्या बोला, सर अपस्ट्रीम निकालने के बाद रिवर का स्पीड निकालकर बोट का स्पीड के साथ ऐड करें। बिल्कुल 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 कि सर अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के बाद रिहा कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। समर्थ अगर आप अभी राइट नाउ 22 क्वेश्चन आपके मॉक में आ रहे होंगे, और अगर आप 22 में से, मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ अगर आप 8 या 9 क्वेश्चन कर पा रहे हो ना तो ठीक है, अगर आप ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन डील कर पा रहे हो पॉइंट्स के तो सही जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 5 महीने में आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को बूस्ट कर लोगे, लेकिन अगर अभी राइट नाउ 7 के आसपास हो तो ठीक है, 22 में से अगर आप 7 कर पा रहे हो, ठीक है। एक बार इसका आंसर बताना है। कहता है अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 3 आवर्स 58 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर एंड द स्ट्रीम, नहीं एंड स्ट्रीम आर 25.55 एंड 10.95 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। कुल मिला के क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि डाउन स्ट्रीम जाता है विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड देन अप स्ट्रीम वापस आता है। मतलब आप कहीं डाउन स्ट्रीम गए और वहां से वापस आए, और जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा है दैट इज 3 आवर्स 58 मिनट। फिर मैंने बोला कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 25.55 किलोमीटर पर आवर एंड 10.95 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है, राइट? ठीक है समर्थ, मतलब ठीक है, बट थोड़ा सा ना एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अगर आप 8 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके उसमें से यू नो करेक्ट 6 हो रहे हैं, मतलब आप 25% एरर कर रहे हो, ठीक है। 8 में से 6 करेक्ट होने का मतलब है कि 8 में से 2 आपके गलत हो रहे हैं, और 2 out of 8 मतलब कि 25% जो है, 25% आपकी एरर आ रही है, और 25% एरर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 10.95 क्या है यहां पर, अगर आप देखोगे तो जो स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, यहां पर जो स्पीड ऑफ बोट है वो है 25.55 स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब रिवर की स्पीड है, रिवर करंट या स्ट्रीम एक ही बात है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार वो रिवर बोलता है, कभी करंट बोलता है, कभी स्ट्रीम बोलता है, एक ही बात है। तो जो रिवर की स्पीड है वो आपकी 10.95 है, डन। चलो करें डिस्कशन करें। दीप का कहना है 41.37 किलोमीटर, ओके दीप करते हैं बात। देखो ध्यान से समझेंगे बात को, सर पहले स्ट्रक्चर समझते हैं क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि मान लो ये एक पॉइंट ए है, राइट, और ये आपका एक पॉइंट बी है। आप क्या करते हो, अब बोट गोज डाउन स्ट्रीम, पहले आप ए से बी जाते हो, और ए से बी जो आप गए हो वो आप गए हो डाउन स्ट्रीम, फिर आप बी से ए वापस आते हो, और जो आप वापस आए हो वो आप वापस आते हो अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम आप गए और अप स्ट्रीम आप वापस आए, डन। आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है,
अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, बोट और रिवर की स्पीड को ऐड कर देते हैं। अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड बतानी है तो आप 25.55 और 10.95 इसको ऐड कर दो। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो सर ये हो गया आपका कितना, दैट इज ये सीधा सीधा 150 हो रहा है, तो ये 50 और ये 36.5 बेसिकली आ रहा है। कितना आ रहा है, दैट इज 36.5 आ रहा है, राइट है जी बात, क्योंकि 0.95 और 0.55 मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया, 35 और 1 36.5, तो आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है दैट इज 36.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर। तो मुद्दा यह है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड है 36.5। फिर आप अपस्ट्रीम वापस आते हो तो अपस्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी है, तो उसके लिए आप 25.55 में से माइनस कर देना 10.95। तो जब आप माइनस करोगे यहां पर आपका जीरो आ जाएगा, और सर यहां पर कितना आएगा मेरा, दैट इज 155 में से 9 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 146, यानी कि 14.6। तो अपस्ट्रीम स्पीड है आपकी दैट इज 14.6 किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिला के बात यह है कि आप ए से बी गए डाउनस्ट्रीम और आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है 36.5। फिर आप बी से ए वापस आते हो अपस्ट्रीम, क्योंकि डाउनस्ट्रीम गए हो तो अपस्ट्रीम वापस आओगे, कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो अगर आप उसके साथ साथ गए कहीं पर तो डाउनस्ट्रीम गए, पर जब वापस आओगे तो अपस्ट्रीम आओगे ना, अगेंस्ट द रिवर, तो अगेंस्ट द रिवर आपकी स्पीड है 14.6। आपको टोटल टाइम मैंने बता रखा है कि जाने और आने का टोटल टाइम है 3 hours 58 minutes, तो आपको यह बताना है कि डिस्टेंस कितना है। अब आपको बताना है डिस्टेंस कितना है। अब आप इसके लिए सिंपल सा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्या कि सर मेरे सामने दो केसेस हैं। अब आप क्या बोलोगे कि सर मेरे सामने यहां पर दो केस है, एक है डाउन स्ट्रीम का केस और एक है अप स्ट्रीम का केस, और सर दोनों केसेस में मैं डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता हूं, दोनों केसेस में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम है, पहले मैं ए से बी गया फिर मैं बी से ए आया, मैंने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया। अगर आप डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हो तो सर पहले तो आपकी स्पीड का रेशियो क्या है, सर डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड जाते वक्त मेरी स्पीड 36.5 थी और आते वक्त है 14.6। जहां तक है आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, पहले तो डेसिमल से डेसिमल हटाओ, ठीक है। अब ये जो 146 है, 146 को अगर आप 2 से कैंसिल आउट करो तो 73 आएगा, तो जहां तक चांसेस है ये 73 से दोनों नंबर कैंसिल आउट होंगे। कई बार बच्चे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं कैंसिल आउट करते वक्त कि सर ये 5 से जा रहा है पर ये 5 से नहीं जा रहा, जैसे कैंसिल आउट करना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 365 और 146 को कैंसिल आउट करना है। बच्चा क्या बोलता है कि सर 146 2 से जा रहा है पर 365 2 से नहीं जा रहा, तो चलो 2 हटा दो। अब मैं 3 देखता हूं, सर 3 से भी नहीं कट रहा, सर अब मैं ना 5 देखूंगा, लेकिन सर 5 से ये जा रहा है पर ये नहीं जा रहा। अरे मेरे भाई, जब स्टार्टिंग में आपको ये पता लगा कि ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो एटलीस्ट 2 से कैंसिल आउट करके खोल तो दो नंबर को। मतलब कि अगर आपको 146 और 365 को कैंसिल आउट करना है, आपको ये दिखा कि ये जो नंबर है 146 ये 2 के टेबल में जाता है 73 पे, तो एटलीस्ट उस नंबर को खोल के लिख दो, क्योंकि जैसे आप उसे 2 से कैंसिल आउट करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखोगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि 73 प्राइम नंबर है। 73 क्या है, प्राइम नंबर है, तो पक्की बात है कि ये दोनों नंबर अगर कैंसिल आउट होंगे तो 73 से कैंसिल आउट होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब आपका जो फोकस है वो 73 पे चलेगा, क्लियर है बात। तो ये जाएगा 73 के टेबल में 2 पे और ये जाएगा 73 के टेबल में 5 पे। तो मैं ए से बी गया और बी से ए वापस आया, जाते वक्त स्पीड थी 36.5, आते वक्त है 14.6, तो स्पीड का रेशो 5 से 2, तो सर टाइम का रेशो क्या होगा, 2 से 5 होगा। यानी सर जाते वक्त जब मैं गया तो जाते वक्त मेरी जो मुझे जो टाइम लगा, जाते वक्त जो मुझे टाइम लगा वो लगा 2 यूनिट, आते वक्त जो मुझे टाइम लगा वो 5 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना हो गया। तो रेशो वाइज मेरा टोटल टाइम कितना है, सर रेशो वाइज जो मुझे टोटल टाइम लगा, रेशो वाइज मुझे टोटल टाइम लग रहा है दैट इज 7 रेशो वाइज, क्योंकि गया मैं 2 यूनिट में, आया मैं 5 यूनिट में, तो मुझे टोटल टाइम लगा 7 मेरे हिसाब से रेशो वाइज। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे जो टाइम लगा है वो 3 hours 58 minutes। चैट के थ्रू बताना कि 3 hours 58 minutes का मतलब कितने मिनट होते हैं, टोटल कितने मिनट हो गए। तो सर 3 hours का मतलब कितने हो गए, 1 hour में 60 minutes, 3 hours में 180 minutes,
अब 180 के अंदर 58 ऐड कर दो तो 238, या ये भी कर सकते हो कि सर 4 आवर्स के अंदर कितने मिनट होते हैं, 240, 1 घंटे में 60, 4 आवर में 240, 240 में से 2 कम करो 238। तो सर मुझे रेशो वाइज जो मुझे टोटल टाइम लगा है वो लगा है 7, बट एक्चुअल में 238 मिनट। कितने पे कनेक्ट हो रहा है सर, 7 3 21, 2 कैरी गया, 7 4 28, 34 पे कनेक्ट हो रहा है। कितने पे, 34 पे। तो अब आप कोई सा भी एक टाइम निकाल लो, चाहे यहां से चाहे यहां से, जो भी ठीक लगे। मैंने यहां से कैलकुलेट किया, अगर मैं इसमें 34 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा सर, 34 2 68 मिनट, कितना आ गया, दैट इज सर 68 मिनट आ गया। इसका मतलब जब मैं डाउन स्ट्रीम गया था, डाउन स्ट्रीम जब मैं गया था 36.5 की स्पीड से, तो मुझे टाइम कितना लगा था, मुझे टाइम लगा था 68 मिनट। तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो सर। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए बी का डिस्टेंस, 36.5 की स्पीड से आपको टाइम लगा 68 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। फिर आप थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करना, जितना भी कैंसिल आउट होता है, ठीक है, जितना भी कैंसिल आउट हो उतना कैंसिल आउट कर लेना, कि लाइक सर मैं डेसिमल हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, 6 कैंसिल आउट करेगा क्या किसी को, कुछ खास तो कैंसिल आउट कर नहीं रहा है ना। अप्रोक्सीमेट में अगेन आपका कुछ आंसर आएगा तो आप इसको कैंसिल आउट कर लेना, जितना भी होगा। 2 के टर्म में गया 34 पे, 2 के टर्म में ज्यादा ज्यादा 30 पे चला जाएगा। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 3 ना तो 34 को कैंसिल आउट करेगा ना 365 को, तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आएगा। कैलकुलेटर यूज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सर, दैट इज 365 मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाय आपका 300, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका दैट इज 41.3। एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है, यहां पर कैलकुलेटर का यूज कर लेना। पर ये बात समझ आइए सभी बच्चों को, यस और नो एक बार चैट के थ्रू बताना। हाँ जी, स्पर्श, समीक्षा, एलिस, अनन्या, दिव्यांशी, सबको पॉइंट क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर इन बातों का यूज करना है कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट था, जाते वक्त स्पीड है 36.5, आते वक्त 14.6, तो सर स्पीड का रेशो 5 से 2, टाइम का रेशो 2 to 5। सर इसने मुझे आने जाने का टोटल टाइम बता रखा है जो मेरे हिसाब से 7 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 238, कनेक्ट हो रहा है 34 पे, तो सर मुझे कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम का टाइम पता लग गया 68 मिनट। अब सर अगर मैं 36.5 की स्पीड से 68 मिनट लगाता हूं ए टू बी जाने में, तो डिस्टेंस कितना होगा, मल्टीप्लाई किया 41.3। डन है जी बात, आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे आते हैं आपके सामने, ये वाला राइट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। फिर मैं आपको एक पीवाईक्यू कराता हूं, पहले ये वाला ट्राई करना, फिर आपको एक दो पीवाईक्यूज कराता हूं। क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी ऑफ अ रिवर इज 254 किलोमीटर। राम स्टार्टेड रोइंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी डाउन स्ट्रीम एट 8:15 AM विद अ स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ध्यान देना, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद श्याम जो है वो निकलता है बी पॉइंट से ए की तरफ विद द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों 1:15 PM पर मिलते हैं तो बताओ रिवर की स्पीड क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा सा एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर भी है, मैंने बस डेटा चेंज कर रखा है, अदरवाइज ये आपका पीवाईक्यू टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये। और इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी आया हुआ है कैट 24 में, सॉरी कैट 2004 में, ठीक है, पहले आप इसको ट्राई करो। सोचो अगर गलती से आ गया, ठीक है, कैट 24 में अगर गलती से आ गया, फिर मैं भी वो शॉर्ट बना के डालूंगा, ठीक है, कि देखो मैंने 23 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है, कि कैट 24 में कौन सा क्वेश्चन आएगा, और पीछे से एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, एक शॉर्ट है ना ऐसे करके पूरा फील।
यार ये वाले टीचर अच्छे हैं भाई, इन्हें सीधा सीधा पता होता है क्या पेपर में आने वाला है, ठीक है इन्हीं से पढ़ेंगे, ये सीधा सीधा हमें वो 22 क्वेश्चन बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी। शुक्रिया आदित्य। मेरे भाई आए थे 7 परसेंटाइल, मैं पूरे 7 परसेंटाइल स्कोर करके आया था, बहुत मेहनत लगी थी उस टाइम, काफी मेहनत का खेल था, फाइनली किसी तरह मैं पहुंचा, पूरी दिन रात मेहनत करी मैंने, टाइम कम पड़ गया था मेरे पास बस, अदरवाइज मैं 7 से ऊपर तो कर ही दे। चलो फिलहाल आंसर बताओ इसका, आया किसी का? काफी टाइम बाद नाम दिखा, मुकुंद। चलो जी, तो राकेश आदित्य वगैरह क्या कहते हो, मैं वेट करूं क्या 1 मिनट का? ट्राई करना आप लोगों ने, ये सर 2 मिनट वेट करो, चैट में बता दो यार, ताकि मैं भी कैसे चुपचाप खड़ा नहीं रहा जाता, ठीक है? ये सर 2 मिनट का वेट करो, या फिर AKD मतलब आप करा दो, वेट करो। डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट ए एंड बी ऑफ अ रिवर इज 254 किलोमीटर, राम स्टार्ट करता है, करण का कहना है 6, राकेश का कहना है कि सर आप ही कराओ ये सब, मतलब क्या मतलब है सर, ये अभी अभी कॉन्सर्ट बताया, स्टार्टिंग अच्छी करी थी आपने, वैसा सा कुछ पूछो ना कि डी की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, यू की वैल्यू पूछे, ऐसा पूछो, अच्छा लगता है ये सब। नहीं मेन क्या होता है यार, देखो कैट में इतने ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको स्नैप में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कैट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लोग कोशिश उनकी ये रहती है कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो मैक्सिमम केसेस में, अदरवाइज ऐसा नहीं है, कैट में कई क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के भी आ चुके हैं, ठीक है? जैसे अभी आपको एक दिखाऊंगा अभी मैं, जैसे ये क्वेश्चन है पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे सर, सबसे पहले आते हैं, ये हो गया सर एक नंबर, एक लाइन बना दो सर, सर इसको आप ले लो ए पॉइंट और इसको आप ले लो बी पॉइंट, चलो जी बहुत अच्छे। अब उसके बाद सर ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी कितना है, 254 किलोमीटर, सही है सर। राम जो है ना वो यहां से निकला 8:15, राम यहां से निकला 8:15, ठीक है 8:15 राम यहां से निकला, और कितने की स्पीड से निकला 24, और निकला डाउन स्ट्रीम, अच्छा निकला कैसा, डाउन स्ट्रीम निकला है। इसने रिवर की स्पीड पूछी है ना, एक काम करो रिवर की स्पीड अपन आर बोल देते हैं, ठीक है रिवर की स्पीड बोलते हैं आर, ठीक। अब सुनना रिवर की स्पीड क्या है, आर है, ये चीज ध्यान रखना, रिवर की स्पीड आर। कहता है कि आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मतलब 9:15 पर, 9:15 पर यहां से निकला श्याम, यहां से निकला श्याम कितने की स्पीड से सर, श्याम निकला 20 की स्पीड से, श्याम निकला 20 की स्पीड से। अब एक बात बताओ ध्यान से बताना, अगर रिवर की स्पीड आर है, रिवर की स्पीड आर, राम जो यहां से निकला है, जो यहां से राम निकला और यहां से श्याम निकला, राम की स्पीड है 24 और रिवर की स्पीड है आर, और राम जा रहा है डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन में लिखा है देखो यहां पे डाउन स्ट्रीम है, जो राम है वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, तो सर राम की स्पीड क्या होगी, सर राम की जो स्पीड है ना यहाँ पे, इस चीज को नोट करना कि सर यहां पर जो स्पीड होगी ना एस आर, मतलब स्पीड ऑफ राम जो होगी वो होगी 24+r, क्योंकि राम डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, और जो श्याम है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, और सर जो स्पीड है श्याम की, क्योंकि श्याम ट्रेवल कर रहा है अपस्ट्रीम, कहां लिखा है सर ये, कहां लिखा है सर अपस्ट्रीम, अरे मेरे भाई ये राम ये श्याम, राम राम अगर अपस्ट्रीम आ रहा है तो श्याम जाहिर सी, नहीं, उल्टा बोल दिया हमने, ये राम ये श्याम, जो राम है अगर वो डाउन स्ट्रीम आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में लिखा है कि राम डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि श्याम फिर अपस्ट्रीम आएगा, ऑब्वियस है ना, तो श्याम की स्पीड क्या होगी, श्याम की जो स्पीड है वो 20 है, रिवर की स्पीड आर, तो श्याम की स्पीड कितनी होगी, दैट इज सर 20-r, क्या ये बात क्लियर सभी को, अच्छे से पक्का बढ़िया। अब सुनना सबसे पहले यहां पर आप आओ और आपका कहना होगा कि सर ये निकला 8:15 वो निकला 9:15, पहले तो सर ये देखो ये 1 घंटे में ट्रैवल कितना करेगा, पहले तो सर ये 1 घंटा खुद ही ट्रैवल कर रहा है, 1 घंटा इसने खुद ट्रैवल किया, तो मान लो सर 9:15 पर
ये यहां पर आ गया ए डैश, यहां पर आ गया ए डैश, ठीक है। अच्छा ये एक घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, इसकी स्पीड है 24 + r, तो 8:15 से 9:15 एक घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, अगर स्पीड है 24 + r तो कितना ट्रेवल करेगा, सर डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 24 + r स्पीड है, टाइम है एक घंटा, तो ट्रेवल कितना करेगा 24 + r, तो सर ए से ए डैश तक का डिस्टेंस है 24 + r, सिंपल। अब देखो ये 9:15, 9:15, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, गेम आ चुकी है 9:15 पर, अब 9:15 पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे और आपस में मिलेंगे, राइट, कितने बजे सर 1:15 पर, 1:15 पर ये यहां से चलता हुआ आया, ये यहां से चलता हुआ आया और ये दोनों आपस में मिल गए, तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्या मैं ये जो ए डैश और बी है क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। सर 9:15 के बाद 9:15 से 1:15 का मतलब कितने घंटे हो गए सर, 9:15 से 1:15 कितने घंटे हो गए, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे, कितने हो गए सर 4 घंटे हो गए। अच्छा इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जब दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आती है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो स्पीड ऐड हो जाती है ना, स्पीड ऐड हो जाती है, यहां पर इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो सर जब आप इन दोनों की स्पीड ऐड करोगे 24 + r और 20 - r को ऐड करोगे तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड 44। अब मेरे भाई टाइम है 4, स्पीड है 44, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस सर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, अगर 44 इनकी रिलेटिव स्पीड है और 4 घंटे बाद ये मिले तो इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 44 × 4, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो सर यहां से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहां से क्या होगा सर, यहां से आ जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज 44 × 4 यानी कि 176, तो सर ये जो ए डैश से बी का डिस्टेंस है दैट इज 176। आगे बात समझ में, राइट। अब एक बात बताओ ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना था, सर ये पूरा डिस्टेंस है 254, उसमें से ये वाला डिस्टेंस है 176, पूरा डिस्टेंस 154, ये 176, तो ये 24 + r कितना हुआ, तो सर 24 + r कितना हो गया, दैट इज 254 में से 156, 254 में से 176 माइनस कर दो, कितना आएगा 54 + 24 कितना हो गया, आई गेस 78 हो गया है ना, तो यहां पर सर 78, तो रिवर की स्पीड कितनी आ जाएगी सर, माइनस कर लो 24 यानी कि 54, क्या ये बात क्लियर है सभी को, डन है ना, यही आएगा ना 78, 254 में से 176 माइनस किया तो ये हो गया 54 और 24, 78 सही है, डन है, एक बार बताना चैट के थ्रू, मुबारक हो यार, क्या नाम है अरुण, मुबारक। हाँ रोहित मैंने आपका मैसेज पढ़ा था कि सर ये सीरीज थोड़ी फ्रीक्वेंटली अपलोड ताकि जल्दी सिलेबस कवर कर लें, और ज्योमेट्री वाली प्रीवियस ईयर उनका लिंक प्रोवाइड कर दो, थैंक यू सो मच। चलो एक बार बता दो चैट के थ्रू यार, डन है डन है डन है डन है डन है, पक्का क्लियर अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कैट का पीवाई क्यों दिखाऊं, मतलब आपको फील आएगा कि अरे सर मतलब क्या बोलते हो, ऊंची दुकान फीके पकवान है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली फीलिंग आएगी, मतलब अगर ये क्वेश्चन करा के मैंने आपको एग्जाम में भेजा, ये क्वेश्चन करके आप एग्जाम में गए और टाइम ट्रेवल करके पहुंचते हैं 2004 में, तो 2004 में देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ, 17 वाला छोड़ो, ये वाला ट्राई करो एक बार, करण आपने बोला सर शाम की स्पीड तो नेगेटिव में, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो,
बात तो यार एक सेकेंड, ये क्वेश्चन क्या डेटा आज से टाइप क्या था? एक्चुअली क्वेश्चन मैंने टाइप करवाया, बात आपकी वैलिड है सर। ये तो दोनों ही, फिर अगर रिवर की स्पीड 24 है सर, राम तो ट्रैवल कर जाएगा। राम जो है 24 54 सर, राम तो ट्रैवल कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर जाएगा। अब अगर सर श्याम की स्पीड है 20, अगर श्याम की स्पीड है 20 और रिवर की स्पीड आ रही है 54, तो श्याम आगे कैसे आएगा सर? रिवर तो अपने साथ बहा के ले जाएगी उसे पीछे, राइट है ना बात? क्योंकि सर अगर ये 20 है, हाँ नंबर्स में गड़बड़ है यार। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, करण वगैरह जो भी बच्चे हैं, एक बार कॉन्सेप्चुअली बताना, एक बार कॉन्सेप्चुअली बताना, करण वगैरह जो भी बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर है ना जो मैंने बताया, स्पेशली ये वाला पॉइंट कि 24+R और 20-R, बेसिकली इस बात पे ध्यान देना है कि जब ये एक यू नो ऑपोजिट आएंगे तो स्पीड का माइनस होना, बेसिकली इस बात पे पहले तो ध्यान देना। ठीक है, बाकी यहाँ पे नंबर्स में गड़बड़ है, पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि सर अगर रिवर, ऑब्वियसली बात है क्योंकि यार अगर रिवर हमारी 54 है, ठीक है, और श्याम की स्पीड 20 है, तो श्याम आगे कैसे आएगा? रिवर तो अपने साथ बहा के ले जाएगी उसे, राइट ना? पॉइंट वैलिड है, लेकिन आई गेस कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। बाकी करण कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना एग्जाम में, मतलब क्योंकि ये जो डेटा है ना गलत लिख रखा है, दो क्वेश्चन में गलत डेटा आ गया, नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर क्रॉस चेक करूंगा मैं। ओ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ रहा है? समर्थ का कहना है सर 1/4 आ रहा है, अंजिला का कहना है 1/4, समर्थ का, अच्छा ऊपर भी लिख दिया था। चलो करें, बात करें, देखो यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है कैट 2004, और क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान था। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो बोट है ट्रेवलिंग एट 5 और 10 किलोमीटर पर आर हेड डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर, ये बेसिकली एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें हमें ये नहीं पता सर कि इसमें कौन डाउन स्ट्रीम है कौन अप स्ट्रीम है, जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये है, क्योंकि जब दो बोट, जैसे दो बोट है, ठीक है, एक बोट है ये और एक बोट है ये बी डैश, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यू नो, तो अगर मान लो ये डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम, ये ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम, तो यहाँ इसकी स्पीड क्या होगी? मान लो इसकी जो स्पीड है वो बी है, तो इसकी स्पीड होगी बी प्लस आर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, इसकी स्पीड होगी बी डैश माइनस आर। तो जब आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे, क्योंकि जब दो बोट एक दूसरे की तरफ आती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड एड हो जाती है। अब जब आप स्पीड एड करोगे और आप बी प्लस आर में जब ऐड करोगे बी डैश माइनस आर, तो मुद्दा है आर से आर का कटना। अब आप कहते हो सर मान लो ये अप स्ट्रीम होता, ये जो बोट है ये अप स्ट्रीम होती और ये जो दूसरी वाली बोट है बी डैश ये डाउन स्ट्रीम होती, तो इसकी स्पीड क्या होती? बी माइनस आर। इसकी स्पीड क्या होती? बी डैश प्लस आर। तो रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त आप इनको एड करते, तो जब आप एड करोगे अगेन आपका क्या होगा सर? आर से आर कट जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो इस बात को पकड़ना, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना कि अगेन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के सर बात यह है कि अगर दो बॉडी, रिवर का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, दो बोट, दो आदमी, राम श्याम, व्हाटएवर, दो ऑब्जेक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो एक होगी डाउन स्ट्रीम, एक होगी अप स्ट्रीम, तो जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वहां पर क्या होगा? आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बस पकड़ के चलना, राइट है? राकेश, समर्थ वगैरह जो भी बच्चे, क्या ये बात याद रहेगी? जैसे मैंने कहा था फॉर्मूला बुक है, तो फॉर्मूला बुक में इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इस बात को नोट डाउन भी कर लेना कि इन केस ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, इफ टू ऑब्जेक्ट ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टू बोट्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, इस बात को अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना कि अगर आपके पास सपोज टू ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, रो रो लिख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कि बोट एंड स्ट्रीम चल रहा है, रो टुवर्ड्स ईच अदर, रो टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड एक्स किलोमीटर पर आर एंड वाई किलोमीटर पर आर, देन relative speed is equal to x plus y। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो obvious है, जब दो body opposite आते हैं तो x plus y तो होता है। नहीं भाई,
कई बार लोग ना डाउन और अप में उलझे रहते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डाउन एंड अप स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन रहा हूं। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ रो करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, विद स्पीड एक्स वाई, रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डाउन एंड अप स्ट्रीम के डायरेक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन डाउन आ रहा है कौन अप आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो पहला डाउन जा रहा है तो सर स्पीड होगी, इस चीज को लिखना भी, इसको भी नोट डाउन करना, इसको भी नोट डाउन करना। अगर मान लो जो पहली ऑब्जेक्ट है वो अप स्ट्रीम जा रही है, स्पीड होगी एक्स प्लस आर, दूसरी बोट अप स्ट्रीम आ रही है, स्पीड होगी वाई माइनस आर। तो जब आप रिलेटिव स्पीड निकाल रहे होगे तो क्या होगा, आर से आर कैंसिल आउट होगा, एक्स प्लस वाई आएगा। या मान लो पहली ऑब्जेक्ट अप स्ट्रीम जा रही है उसकी स्पीड होगी एक्स माइनस आर, दूसरी डाउन स्ट्रीम आ रही है स्पीड होगी वाई प्लस आर। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो अगेन आर से आर कैंसिल आउट होगा, आंसर में एक्स प्लस वाई आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, तो मतलब ऐसा समझ जाना कि यहां पर ये फालतू में आपको कंफ्यूज करना है, बस डाउन अप दे करके, अदरवाइज रिलेटिव स्पीड ऐड करना है, ठीक है। चलो आते हैं सर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये था आपका। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो दो बोट है, मुझे पता है कि यार इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। सर दो बोट है 5 और 10 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। दे बिगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। आपको ये बताना है क्या, आपको ये बताना है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर थे बिफोर दे कोलाइड, ठीक है। कोलाइड होने से पहले मतलब टकराने से पहले वो कितना दूर थे बिफोर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट पहले एक दूसरे से कितना दूर थे। तो मान लो ये डिस्टेंस है दैट इज 20। अब 1 मिनट पहले बिफोर 1 मिनट इनके बीच में ये गैप था, मतलब 1 मिनट पहले बिफोर 1 मिनट जो पहली ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहां पर है और सेकंड ऑब्जेक्ट यहां पर है, बिफोर 1 मिनट, 1 मिनट पहले इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस था। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सर डिस्टेंस होता है हमारा रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सर रिलेटिव स्पीड सीधी सीधी 5 प्लस 10 हो जाएगी, और टाइम हमारा कितना 1 मिनट, मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना हो जाएगा 15 × 1/60, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 मैटर नहीं करता और डायरेक्शन भी मैटर नहीं करती कि कौन अप है कौन डाउन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया रिवर की स्पीड कैंसिल आउट हो जाएगी। बात क्लियर है सभी को, राकेश, समर्थ, करण, अग्रिमा, जो भी है। पॉइंट ध्यान रहेगा, ठीक है, कि अगर दो बॉडी एक दूसरे की तरफ रो कर रही है, मतलब बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त आर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। चलो एक काम करो, पीवाई क्यू अभी नहीं करेंगे, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं पीवाई क्यू पे आता हूं। अक्षत भारद्वाज सर एक बार मेरा नाम बोल दीजिए, बाकी कौन सा ट्रिक था समझ आ रहा है। अरे बिल्कुल अक्षत, ठीक है, बिल्कुल आपका नाम बोलूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें और अक्षत आप भी ट्राई करो, ठीक है, और एक बार सारे बच्चे बताने कि क्या उनसे सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन, और अक्षत आप भी बताना कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। आई होप लास्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ गया होगा और अक्षत आपको भी समझ आ गया, ठीक है। चलो तो बताओ यार क्या आंसर होगा इसका। आई थिंक अक्षत इतना काफी है। द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 23 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 17 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन स्ट्रीम। नाम तो यूनिक, नाम यूनिक है वैसे लड़के, अक्षत। चलो
राकेश आपका कहना है 2 hours 42 minutes. ओके okay. दीप आपका कहना 2 hours 42 minutes. वैभव 2.7. प्रिया 2.7. स्निग्धा आप भी कैलकुलेट करो फटाफट क्या आंसर आएगा. चलो देखें एक बार. तो चलो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान देना, और अक्षत और स्निग्धा आप दोनों स्पेशली ध्यान देना. खैर मुद्दे पे आते हैं. द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 23 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 17 किलोमीटर अप स्ट्रीम. ठीक है, बढ़िया. देखो मुद्दे की बात यह है कि सर टाइम सेम है. सर यहाँ पर दो केसेस है, एक केस है सर डाउन स्ट्रीम का, एक केस है डाउन स्ट्रीम का, एक केस है अप स्ट्रीम का, और दोनों केसेस में सर टाइम सेम है. अब जब सर टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है, ये मुझे लगता है यहां बैठे सभी बच्चों को पता होगा कि सर अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर मान लो सर टाइम आपने कांस्टेंट कर रखा है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डिस्टेंस और स्पीड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट है जी बात. अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर. तो सर यहां पर आपने दो केसेस दिए, एक डाउन स्ट्रीम का एक अप स्ट्रीम का, और आपने कहा टाइम सेम है. अब सर डिस्टेंस मुझे पता है कि डाउन स्ट्रीम में मैंने ट्रैवल किया 23 और अप स्ट्रीम में 70, तो सर डिस्टेंस का रेशियो 23 से 17 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा सर 23 से 17 होगा. तो सर डाउन स्ट्रीम स्पीड है 23, अप स्ट्रीम है 17, तो बोट की स्पीड कितनी होगी, बोट की स्पीड क्या होगी सर, बोट की स्पीड होगी 23 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 20. सर अगर ये 23 है ये 17 है, तो बोट की स्पीड होगी 20. रिवर की स्पीड क्या होगी सर, रिवर की स्पीड होती है d माइनस u अपॉन 2, यानी 23 माइनस 17 अपॉन 2 6 बाय 2 मतलब 3 होगी. ठीक है, मतलब कितनी होगी सर 3 होगी. तो मैंने क्या करा सर, रेशियो वाइज मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी. अब सर क्वेश्चन में देखो रिवर की स्पीड क्या दे रखी है सर, क्वेश्चन में रिवर की स्पीड दे रखी है 3 ही दे रखी है सर, मतलब रिवर की स्पीड मेरे हिसाब से भी 3 है. मेरे हिसाब से सर रिवर की स्पीड कितनी है सर, मेरे हिसाब से रिवर की स्पीड 3 है और क्वेश्चन के हिसाब से भी 3 है, तो सेम ही है, तो इसकी स्पीड सर 20 आ गई. बोट की स्पीड 20 है, राइट. अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि बोट को कितना टाइम लगेगा 54 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में. तो सर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 20, टाइम कितना लगेगा सर, टाइम होता है अगर टाइम निकालना है तो टाइम इज डिस्टेंस विच इज 54 अपॉन में स्पीड विच इज 20, तो 54 बाय 20 कैंसिल आउट कर लेते हैं सर, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के टेबल में चला जाएगा सर 10 पे, 2 के टेबल में आपका चला जाएगा दैट इज ऑन 27, तो ऑलमोस्ट 2.7 आ रहा है, या फिर सर ये तो आवर्स में आ रहा है ना, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, राइट है ना, 27 बाय 10 है आवर्स. आवर्स को एक काम करो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 6 7 जा 42 का 2 4 12 4 16 162 मिनट, जिसको मैं बोल सकता हूं बेसिकली 2 आवर्स, ठीक है 42 मिनट, 2 आवर्स 42 मिनट, राइट है जी बात. डन है, कोई डाउट शॉट तो नहीं है किसी बच्चे को. तो यहां पर अगर देखें तो सर डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है, अब सर अगर आपने डिस्टेंस है ठीक है डाउन और अब दो केस दिए, दोनों केस में सर डिस्टेंस 23 17, तो स्पीड 23 17, तो बोट की स्पीड 20, रिवर की 3, 3 की वैल्यू 3, 20 की वैल्यू 20. अब सर 54 किलोमीटर जाना है, स्पेशली स्टिल वाटर में जाना है, स्टिल वाटर में बोट अपनी ही स्पीड से जाती है, राइट है. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. अब आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, और वो देखना आप लोग. अब एक काम करो, अब एक PYQ करते हैं, ठीक है. अब आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कैट 17 का, कैट 17 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, फील आएगा.
चलो यार बढ़िया है अक्षत। अच्छा एलिस आपने रिपीट करने को बोला। एलिस यार कुछ नहीं, लास्ट क्वेश्चन में जो बात रखी गई थी, देखो एलिस क्या होता है, कभी भी आपके सामने दो केसेस होते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम के दो केस हैं, ठीक है, डाउन और अप के दो केस थे, राइट, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के दो केसेस थे। और उसने क्या किया था ना एलिस, उसने एक बात बोल रखी थी लास्ट क्वेश्चन में कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आपको सेम टाइम लगता है, आपको सेम टाइम लगता है टू ट्रेवल 13 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर, शायद 7 था, तो वो ये कहना चाह रहा था कि डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर ट्रैवल करने में और अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपको सेम टाइम लगता है, ठीक है एलिस, ऐसा उसने बोला। तो जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है ना, तो यहां पर डिस्टेंस आई गेस शायद 13 और 7 ही दिया था, तो 13 7 था डिस्टेंस, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भी 13 7 ही होगी, क्यों, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था क्लियरली कि सेम टाइम के अंदर आप डाउन स्ट्रीम 13 ट्रैवल करते हो, अप स्ट्रीम 7, तो स्पीड होगी 13 7, तो बोट की स्पीड क्या होगी सर, बोट की स्पीड होती है डी प्लस यू अपॉन टू, यानी 13 प्लस 7 अपॉन 2, बोले तो 10, है ना, पढ़ा था ना, बोट की स्पीड इज डी प्लस यू अपॉन टू, तो 13 प्लस 7 अपॉन 2 10 आ गया। और अगर आपको रिवर की स्पीड निकालनी है तो 13 माइनस 7 अपॉन 2 यानी 6/2, तो 3 आ गया, समझ के बात एलिस। फिर मैंने कनेक्ट कर दिया था क्योंकि 3 की वैल्यू 3 थी तो 10 की वैल्यू 10, एंड देन आंसर निकाला। आई होप ये बात क्लियर है एलिस, राइट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आया सभी का, आई थिंक एक दो बच्चों ने बताया आंसर, दैट इज अंशुल का कहना है √7:2, राकेश का कहना है √7:2, बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ कहना होगा, चलो करें डिस्कशन करें। देखो ध्यान से सुनना, यहां पे कहता है अ मैन ट्रेवल बाय अ मोटर बोट डाउन अ रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक। बेसिकली सिचुएशन इमेजिन कर लो कि एक आदमी है, ठीक है, बड़ा ही खतरनाक तरीके से ऑफिस जा रहा है, भैया ऑफिस ही जा रहा है, कहां जा रहा है, अ मैन ट्रेवल बाय अ मोटर बोट डाउन अ रिवर, अच्छा तो रिवर में बैठ के भाई साहब जा रहे हैं अपने ऑफिस और फिर ऑफिस से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो काफी टफ जॉब है भाई साहब की, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपकी तरह आए बाइक उठाई कार उठाई पहुंच गए ना, बोट में बैठते हैं और फिर उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं और फिर वापस ऑफिस से घर आ जाते हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ बातें बोल रखी हैं, क्या, विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज, मतलब रिवर की स्पीड बदलती नहीं है, रिवर अपना वही जो उसकी स्पीड है वो मतलब उसी स्पीड से चलती है सुबह शाम, कोई चेंज नहीं है स्पीड में। इफ ही डबल द स्पीड, अगर ये आदमी अपनी स्पीड को डबल कर दे अपनी मोटर बोट की जो स्पीड है, क्योंकि रिवर की स्पीड तो बदलेगी नहीं, बंदा बोट की स्पीड बदल लेगा, तो ये कहता है अगर वो अपनी बोट की स्पीड को डबल कर देता है तो जो उसका टाइम लगता है ना वो टाइम 75% रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस बाय 75%, मतलब अब जो टाइम लगेगा वो 25% टाइम लगेगा, 25% टाइम, राइट। और कुछ खास कहता है रेशो बताओ, रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ओरिजिनल, रेशो ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट टू द रिवर। बढ़िया जी, आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपके काफी फंडे क्लियर करेगा ये, इकलौता क्वेश्चन तो ध्यान से बात को समझेगा, देखना। देखो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जो आदमी की स्पीड है वो एम है और रिवर की स्पीड आर है, सिंपल, आदमी की स्पीड एम रिवर की स्पीड आर। सबसे पहले वो पहले उसके नॉर्मल डे की बात करते हैं, जब वो नॉर्मल उसकी एक स्पीड है एम और रिवर की स्पीड आर, बंदा डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है डी, तो मान लो वो डाउन स्ट्रीम जाता है और अप स्ट्रीम वापस आता है, ऐसा लिखा तो नहीं है क्वेश्चन में, अ मैन ट्रैवल बाय अ मोटर बोट डाउन, हाँ लिखा गया डाउन अ रिवर, मतलब डाउन स्ट्रीम जाता है तो अप स्ट्रीम वापस आता होगा, आदमी की स्पीड है एम रिवर की स्पीड है आर, तो जब वो डाउन स्ट्रीम गया तो उसकी स्पीड क्या होगी सर, एम प्लस आर। अब जो डिस्टेंस है ना घर से ऑफिस का डिस्टेंस, मान लो वो डी है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस क्या है डी है, अब वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम, कितनी स्पीड एम प्लस आर, तो टाइम क्या होगा सर, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सर उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी स्पीड थी एम प्लस आर, तो टाइम कितना लगेगा डी अपॉन एम प्लस आर, ठीक, ये तो हो गया सर जाने का टाइम। अब सर वो डी डिस्टेंस वापस आ रहा है, कैसे वापस आ रहा है सर, अपस्ट्रीम वापस आ रहा है सर, उसकी स्पीड आर एम है रिवर की स्पीड आर है, बंदा अपस्ट्रीम वापस आ रहा है तो स्पीड क्या होगी एम माइनस आर, अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है और स्पीड है एम माइनस आर, टाइम कितना लगेगा डी अपॉन एम माइनस आर, तो यहां पर हो गया डी अपॉन एम माइनस आर। तो सर ये जो मैंने लिखा आपके सामने राइट नाउ,
ये क्या है सर, ये जो मैंने लिखा ये क्या है सर, आने जाने का टाइम, ये क्या लिखा मैंने, दैट इज सर ये आपने लिखा आने जाने का टाइम, टी मतलब आने जाने का टोटल टाइम, दैट इज टी। ये बात समझ गए ना सभी, उम्मीद कर सकता हूं मैं, यस और नो एक बार चैट के थ्रू बता दो, पक्की बात है सभी को क्लियर है पॉइंट, ठीक है। पहले ये बताओ ये जो इक्वेशन लिखी कोई डाउट है क्या, कहीं मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊं फिर कोई बच्चा कहे सर रिपीट करो, कि कुछ बच्चे ना मुझे लगता है वेट करते हैं कि एक बार इन्हें बोलने दो खत्म करने दो, एंड में बोलेंगे कि सर एक बार और पूछा, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए यार, वेट मत किया करो, अभी बता दो अगर डाउट है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है बस यही है जिसमें शायद आपको डाउट आएगा, अदरवाइज तो नहीं आना चाहिए। नहीं है नहीं है नहीं है, कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। सॉल्व करो, एलसीएम एलसीएम लोगे तो मुझे लगता है एलसीएम बहुत ही कॉमन सा है, आप ऐसे ले लो। देखो एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा सर, डीएम माइनस डीआर प्लस डीएम और प्लस डीआर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, ऐसे ही लेते हैं एलसीएम, उसको उधर किया क्रॉस में मल्टीप्लाई अपॉन में एम प्लस आर एम माइनस आर को किया, ये आ जाएगा। तो सर डीआर से डीआर कट जाएगा, बेसिकली क्या बचेगा, टू डी एम अपॉन में एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बात सभी मानते हैं, ठीक है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि यहां से रिजल्ट क्या आएगा, टू डी एम अपॉन एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो सर ये है टाइम, ठीक है, ये है सर इसके आने जाने का टाइम। उम्मीद है कि ये बात क्लियर है सभी को, राइट, आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से, मैंने एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व किया, ठीक है। अब सुनना बात को, देखो हाँ अब ध्यान से देखो, क्लियर है ना सभी को, बढ़िया। अब देखो ये है इसका नॉर्मल टाइम आने जाने का, नॉर्मली जब वो अपनी एम की स्पीड से जाता है तो आने और जाने में टाइम कितना लगता है, डी एम टू डी एम अपॉन एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सर ये है आने जाने का टाइम। आज उसने अपनी स्पीड को क्या किया, डबल कर दिया, आज इसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, यानी जो चीज एम है उसको क्या कर दिया, 2m कर दिया, आज जो है m को 2m कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा, तो बस इतना सा करो ना, m की जगह भैया पूरी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, बस m की जगह 2m आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसका यूज करना, डायरेक्ट इसका यूज करो। सेकंड केस में उसने क्या करा, अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो बस m की जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, तो अब कितना टाइम लग रहा है सर, 2d, और m की जगह आ जाएगा बस 2m, ठीक है, जहां m है वहां 2m लिख दो, कि 2m का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है ये पुराने वाले टाइम का कितना है, क्योंकि बोला अब जो टाइम है ना, ये वाला टाइम है, ये जो टाइम है ये अब रिड्यूस हो गया है कितना, दैट इज 75%, यानी अब जो आपको टाइम लग रहा है, अब इसे मैं टी बोलता हूं, जो अब आपको टाइम लग रहा है वो पुराने वाले टाइम का कितना है, अगर पुराना वाला टाइम था टी डैश, पुराना वाला टाइम मान लो 100 मिनट था, पुराना वाला टाइम 100 मिनट था, तो अब कितना टाइम लगेगा, 75% कम हो गया, 25% लगेगा, कितना 25%, तो अब वाला जो टाइम है वो पुराने वाले टाइम का कितना है, 25% है, 25% मतलब 1/4 है, तो ये जो अब वाला टाइम है ये पुराने वाले टाइम का 1/4 है, और पुराना वाला टाइम कितना था, दैट वॉज 2dm अपॉन एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डन है, एक बार बता दो चैट के थ्रू, ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्वेश्चन खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा, पर एक बार मुझे चैट के थ्रू बता दो कि क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है, डन है ना, कोई डाउट तो नहीं, मैंने सिंपल बोला, पहले तो ये बनाया और मैंने देखा भाई टाइम कितना लगेगा, 2dm अपॉन एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पहले मुझे ये लगता था आने जाने का टाइम, अब अगर उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो बस इतना ही तो फर्क आएगा, m की जगह 2m आएगा, बाकी कहानी तो सेम है एज इट इज, तो अब कितना टाइम लगता है, 2d m की जगह 2m लिख दो बस, ये है अब जो आपको टाइम लगता है, ये क्या है, जो अब आपको टाइम लगता है, और ये जो आपको टाइम लगता है ये पुराने वाले टाइम का 1/4 है, 1/4 मतलब 25% है, क्योंकि लिखा है रिड्यूसेस बाय 75%, 75% कम हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है 25%, डन है बात, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, अब तो कुछ खास बचा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं जी। सर पहले तो आप ये डी टू एम ये काट दो, ये टू डी एम काट दो, ठीक है, कितना बचा यहां पर, ये आपका हो गया 4 2 8,
ठीक है, ये 4 2 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बेसिकली इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये जो 4 के साथ, ये जो एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो 4m² 4r² इधर आएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8m² माइनस में 8r² इज इक्वल टू, यहां तो कुछ भी नहीं बचा, इसको वहां ले जाओ, 2m का होल स्क्वायर मतलब कितना हुआ 4m², तो यहां पर आ गया 4m² माइनस r², 8m² में से 4m² माइनस होगा तो 4m² आएगा, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 8r² माइनस होगा 7r² आएगा, तो यहां से m² अपॉन में r² कितना आया 7/4, तो m अपॉन r कितना होगा, तो सर 7 किसका स्क्वायर होता है, √7 का, और 4 होता है 2 का, यानी ये करेक्ट आंसर है। डन, हाँ जी एक बार बताना चैट के थ्रू, क्लियर सभी को? नहीं 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 वहां पे इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ चीजें होती है जो टिपिकल इक्वेशन बेस्ड होती है। अब देखो चलो इस पे भी बात करते हैं भव्य, कि सर क्यों नहीं है शॉर्ट ट्रिक, इस पे भी बात करें ना भव्य, जैसे आपका डाउट अच्छा है कि सर इससे पहले तो आपने इतना कुछ एम आर बी इसमें क्यों लिखना पड़ा सर आपको, क्यों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बन रही है क्या? करते हैं देखो डिस्कशन करते हैं, जैसे शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं बन रही है मैं बताता हूं। सबसे पहले आप कहोगे सर इसमें भी तो वही है, आप कहीं पर गए, जैसे सर अगर पहला वाला केस उठाए, ये जो आपने इक्वेशन लिखी, ठीक, ये जो आपने इक्वेशन लिखी, सर देखो यार डिस्टेंस सेम था, आप जहां गए और फिर वापस आए, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है माना, पर आपको जो स्पीड है, आपको जो स्पीड लगी है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स, ऐसा कुछ दिमाग हम लोग लगाते हैं, पर ना तो मुझे जाने की स्पीड पता ना मुझे आने की स्पीड पता, तो मैं रेशियो किसका निकालूंगा, मुझे कोई स्पीड तो बंदे ने बताई नहीं रखी, ना जाने की ना आने की कोई स्पीड नहीं बताई, तो मैं रेशो निकालूंगा किस चीज का? पहली बात, यहां पे कोई आप रेशो के ट्रैक पे नहीं जा सकते, चलो ठीक है सर माना। अब सर एक बात बताओ सर, यहां पर एक केस और है सर, यहां पर क्या हुआ ना सर, पहले आपको आने जाने में कुछ टाइम लगता था और फिर आपने क्या करा, फिर एक और केस है जहां पे आने जाने के टाइम की बात कर रहा है, बट यार वहां पे टाइम अलग है और उसने स्पीड को भी बदल दिया, एम से 2m कर दिया, है ना। पॉइंट पता है क्या दिक्कत है इसमें, कि इसमें हमें नंबर्स नहीं पता, अगर वो किसी चीज के नंबर बता देता ना कि भाई वो 7 है, वो 10 है, वो 14 है, कुछ नंबर बताता तो मैं रेशो पे जा सकता था और इसको इजीली डील कर लेता, पर इसने कोई भी नंबर नहीं बताया, दैट्स व्हाई मुझे इस ट्रैक पे जाना पड़ा। आई होप क्लियर है बात भव्य। जैसे कुछ चीजों के रीजन होते हैं ना सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इससे पहले तो रेशो चल रहा था, आपने नॉर्मली कई क्वेश्चन डिफिकल्ट से रेशो पे करा दिए, वो इसलिए करा दिए क्योंकि उसमें नंबर दे रखे थे, इसलिए मैंने रेशो पे करा दिए, ठीक है। लेकिन पता है क्या, इसके प्रोसेस को ध्यान रखना भव्य, इसके प्रोसेस को ध्यान रखना, प्रोसेस को स्पेशली इस बात को ध्यान रखना, ताकि आप सारे बच्चे सॉल्यूशन जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का वो मिस ना करो, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है जो अपने को याद रखना है, क्योंकि सीरीज तो फॉर्मुला बुक है ना, फॉर्मुला बुक मैंने क्या बोला, जितने भी शॉर्ट ट्रिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको सम अप करेंगे, तो इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें ध्यान रखना है, वो हमें ये ध्यान रखना है सर, इस बात पे ध्यान देना कि जो यहां पर मैंने टी निकाला था और फिर यहां पर जो मैंने ये निकाला, और इस दौरान जो मैंने सिर्फ एक, मैंने दो इक्वेशन नहीं बनाई, कि पहले ये इक्वेशन बनाई फिर ऐसी सी मैंने एक और इक्वेशन बनाई, दो दो इक्वेशन नहीं बनाई, मैंने पहली इक्वेशन बनाई और सीधा उसकी मदद से मैंने डायरेक्ट दूसरी इक्वेशन लिख दी, जो मैंने ये किया ना एम की जगह सीधा 2m लिखा, इसको ध्यान रखना, दो बार ऐसे बड़ी बड़ी इक्वेशन मत बनाना, पहले बना के रिजल्ट निकाल लेना, अगर वो कहता है m डबल हो गया तो बस इसी में m की जगह क्या करना, सिर्फ इसी में m की जगह 2m पुट कर देना, अगर वो कहता है m ट्रिपल हो गया मतलब उसने अपनी स्पीड को ट्रिपल किया तो m की जगह यहां पर 3m कर देना, दो दो इक्वेशन मत बनाना, ये पॉइंट मिस मत करना। इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है बस, कि जो इसके बाद मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, डन है। अब एक ऐसा सा एक और पीवाईक्यू मैं आपको दिखाता हूं जो कैट का ही पीवाईक्यू है, ये था 2017 का और ये है सर एक और आपका 2001 का, इसको ट्राई करो। क्या नाम है आपका? अलहद। अलहद मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो पीडीएफ है वो तो ग्रुप में शेयर करी थी, ठीक है, मैं अभी दोबारा कर देता हूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो मैं एक बार दोबारा कर देता हूं, ठीक है। मैंने अभी तक इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराया, लॉक कराया, सक्सेसिव परसेंटेज कराया और ये, ठीक है, तो अभी फिलहाल में मैंने पीडीएफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की शेयर कर रखी है, लॉक की तो मेरे हिसाब से आप सेशन देख के बना लेना, सेशन देख लेना, दो तीन सेशन है एक एक घंटे के,
वो देख करके नोट्स ही बना लेना, ठीक है। उसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर मैंने बात करी है, और हर शॉर्ट ट्रिक पे एक एक पीवाईक्यू करा रखा है, ठीक है, ताकि उसकी समझ इंप्रूव रहे। हालांकि जिसकी पीडीएफ मैंने शेयर करी है वो मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप में दोबारा भेज दिया, आप डाउनलोड कर लेना। क्या नाम है आपका? अलहद। और अलहद, अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है तो सर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये रहा अनअकैडमी अंडरस्कोर रमन, यू कैपिटल है, आर कैपिटल है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो अनअकैडमी, स्पेलिंग सही टाइप करना, अंडरस्कोर रमन, RAMAN, ठीक है। चलो कहाँ गया वो क्वेश्चन यार, ये वाला ट्राई करना एक बार। पुष्कराज सर, स्पेशली स्नैप के लिए प्रिपेयर करना कोई स्पेशल बैच है क्या उससे? अगर आपको सिर्फ स्पेशली स्नैप के लिए करना है तो देखो मैं आपको राय दूं, अगर आप स्नैप के लिए करना चाहते हो ना तो आप एक काम करना, देखो सब्सक्रिप्शन आप लो, नो डाउट। देखो क्या होता है ना, आप इस चीज को समझो कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं जैसे हम कैट के लिए पढ़ा रहे होते हैं, तो उस दौरान मैं जैसे पढ़ाता हूँ मेरा सिंपल कहना होता है कि भाई मैं सारे कैट एंड OMET सबके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। बच्चे कहते हैं कैसे? क्योंकि मेरा कहना होता है कि मैं चैप्टर को बेसिक टू एडवांस लेवल कराऊंगा, ठीक है। तो जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, बेसिक टू एडवांस, तो उससे क्या होता है, एक तो चैप्टर की कनेक्टिविटी बनती है। अब ये नहीं कि मैं आया और मैंने किसी चैप्टर के बस 15 क्वेश्चन करा और वो भी डिफिकल्ट करा के चला गया, उसका भी सेंस नहीं बनता। चैप्टर को बेसिक से शुरू करना होता है, एडवांस तक ले जाना होता है, ताकि हर डॉट आपस में कनेक्टेड रहे, और जब बच्चा टफ क्वेश्चन पे आए तो उसे टफ क्वेश्चन टफ ना लगे, उसे इजी लगे, क्योंकि उसके बेसिक्स अच्छे होते हुए आए हैं। तो आप स्नैप के लिए काम करो, मैं आपको जेन्युइन राय दे रहा हूँ, बिल्कुल इस एंगल में मत ले जाना कि मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, बाकी मर्जी आपकी है, आप जैसा सोचना चाहो। मेरा कहना यह है कि आप नॉर्मल अपना सब्सक्रिप्शन लो, आप कैट की क्लासेस में जाओ, चैप्टर अपने कंप्लीट करो, तरीके से हर एक चैप्टर को पढ़ो। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोग ऐसे रखते हैं ना अपने आप को कि भाई मैं कैट के लिए तैयारी, सर मैं तो सिर्फ स्नैप दूंगा, मैं तो CMAT दूंगा, तो हम स्टार्टिंग में अपना लेवल ना बहुत हल्का करके चलते हैं। अब जब हम स्टार्टिंग में अपने लेवल को हल्का करके चलते हैं ना तो हमारे लिए स्नैप भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर करते हुए चलते हो और आप स्नैप जैसा एग्जाम दोगे तो आप इजिली डील कर लोगे, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान आपने अपने लेवल को हाई रखा, तो फिर आप स्नैप को डील कर सकते हो। हाँ बस आप क्या करना, जब आप कैट की क्लासेस लोगे ना तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि वो जो टफ लेवल के DI होते हैं, टफ लेवल के LR होते हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये कहता है कि सर मेरे को कैट नहीं, मैं तो स्नैप कर रहा हूँ, सर मुझे तो मुझे मेरा लेवल पता है, मैं कैट नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो स्नैप से मतलब है, तो आप वो जो टफ लेवल के DI होते हैं, वो जो टफ लेवल के LR होते हैं, मत करो, क्योंकि स्नैप में आने ही नहीं है तो क्यों करना। पॉइंट्स पे फोकस करो, रीजनिंग के वो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ो, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स कवर अप करो, ठीक है। अगर आप जाते हो VRC पे, वो बड़े बड़े पैसेजेस मत करो, RC वगैरह नॉर्मल से करो, अपनी वोकैबुलरी पे काम करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, EDM फ्रेजेस, इन पे काम करो, राइट। तो फिर आप स्नैप को टारगेट कर लोगे, क्लियर है बात। तो और ये सारी की सारी चीजें हम कैट के दौरान पढ़ा ही रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई टीचर कैट में LRDI पढ़ा रहा और वो ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये ध्यान रखना कि भाई जब आप क्लास में जाओ तो ये होना चाहिए कि सर मैं तो कैट के लिए कर रहा हूँ और मैं इतने हाई लेवल का DI और LR नहीं करूंगा। आप एक सेक्शन से बच गए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। आई होप यार पुष्कराज आपको बात क्लियर होगी। और फिर उसके बाद क्या होता है पुष्कराज, जैसे ही आपका कैट का एग्जाम ओवर होता है, जैसे मैं बताऊं कैट से 1 या 2 महीने पहले स्नैप के बैचेस आते हैं, ठीक है, प्योर स्नैप के बैच आएंगे, प्योर CMAT के बैच, ऐसे ऐसे बैचेस आने शुरू हो जाते हैं OMETs के स्पेसिफिक, ठीक है। अग्रिमा चलो आंसर क्या है, अंजिला 8x3, अक्षत 8x3, स्निग्धा 8x3। जैसे मैं आपको सच बताऊं, बेस्ट एग्जांपल बताऊं, गौरव करके एक लड़का है, ठीक है, लास्ट ईयर का था, उसने अपना स्नैप क्लियर किया अच्छे से, SIBM पुणे में पहुंच गया, ठीक है। उसने मुझे लगता है एक छोटी सी समझदारी ये भी करी कि आई थिंक अगस्त में, ठीक है, अगस्त सितंबर आ चुका था और उसे ये हो रहा था कि सर मेरे से DILR होता ही नहीं है, मेरे से जो डिफिकल्ट वाले अपने DI और LR आते हैं, आप पता है आप सबको ना कि 4 सेट आते हैं DI के, हमारे DILR के 4 सेट आ जाते हैं अपने कैट में, और 4 में से अगर 2 भी कर दो तो काम बन गया, तो जाहिर सी बात है काफी डिफिकल्ट होते हैं। और उसे कहीं ना कहीं अगस्त सेप्टेम्बर में लग रहा था कि मेरे से हो ही नहीं पा रहे सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहे, तो उसने बेसिकली ऑनेस्टली अपने लेवल को एडमिट कर लिया कि सर मेरे बस की नहीं है DILR। तो उसने क्या करा, अब उसने अपने कैट के दिमाग को स्विच करके स्नैप पे ले आया, क्योंकि स्नैप पे उतने हाई लेवल के DILR आने नहीं है, तो वहां से उसकी मेहनत बच गई और उसने पूरा डेडिकेशन अपना क्वांट्स और वो वोकैब, अगर मैं VRC की बात करूं तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने में, क्वांट्स के सारे टॉपिक कंप्लीट करने में,
और रीजनिंग के जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे क्लॉक कैलेंडर ये सब, उस पर प्रो लेवल पे वो पहुंच गया और बस उसका फोकस था भैया स्नैप निकालना, और बस स्नैप में ले आया टॉप परसेंटाइल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने अपना थोड़ा सा टारगेट चेंज कर दिया, तो इसका बात इस ये चीज आप ध्यान रखना। बट मेरा बस सजेशन ये होगा कि जब आप प्रिपेयर करो ना, तो आप प्योरली स्नैप प्योर सीमेट इसके हिसाब से मत चलो, क्योंकि एग्जाम कैट वर्क कैट जैट और डबल एफटी से थोड़े लो लेवल के होते हैं। तो आप जो तैयारी करोगे ना, आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को बहुत लो रखोगे, ये सोच के कि भाई मैं तो बेसिक्स एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, तो तैयारी भी आपकी बेसिक्स ही होगी। फिर होगा क्या कि जो बेसिक सा पेपर है वो भी आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आप कैट जैसे पेपर को प्रिपेयर करोगे तो फिर स्नैप वगैरह तो निकाल दोगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़े मुद्दे पे आ जाए, इस क्वेश्चन के आंसर पे आंसर ऑलरेडी आए हैं कई बच्चों के। अंजीला का 8/3 है, स्निग्धा का 8/3 है, अग्रिमा 8/3, सोनू 8/3, बहुत बढ़िया। चलो जी अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। देखो यहाँ पर एट हिज यूजुअल रोइंग स्पीड, अब देखो अपनी नॉर्मल स्पीड से राहुल क्या करता है, 12 माइल डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है इन अ सर्टेन रिवर इन 6 आवर्स लेस देन इट टेक हिम टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, ठीक है। अब राहुल का सीन ये है, क्योंकि स्पेशली बाद में इधर भी कुछ डबल, इफ ही कुड डबल हिज रोइंग स्पीड, अपने तैरने की स्पीड को अगर वो डबल कर देता है तो 24 माइल की राउंड ट्रिप में क्या कहता है, डाउन स्ट्रीम 12 माइल वुड देन टेक ओनली 1 आवर लेस देन अपस्ट्रीम 12 माइल, बढ़िया। चलो तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊं तो मैं क्या बोलूंगा पहले कि सर ये ना 12 किलोमीटर गया है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो क्या होगा, दैट इज सर 12 अपॉन एम प्लस आर, मानते सभी बच्चे। फिर सर वापस आया, अब की बार सर माइनस होगा, तो माइनस 12 अपॉन, नहीं रुको, क्योंकि इसमें ना माइनस होगा, माइनस के वक्त ना इक्वेशन थोड़ी सोच समझ के बनानी चाहिए। देखो यहां पर क्या है कि राहुल डाउन स्ट्रीम गया 12 किलो 12 माइल और वापस आया 12 माइल, पर वापस आते वक्त उसे क्या हुए 6 घंटे, क्योंकि इसने बोला 12 माइल डाउन स्ट्रीम जाने को उसे 6 घंटा कम टाइम लगता है, मतलब जब वो वापस आया है इट मींस कि जो इसका अप स्ट्रीम का टाइम है, इस चीज को ध्यान देना, जो इसका अप स्ट्रीम में जो इसको टाइम लगा है, यानी वापस आने में जो टाइम इसे लगा है अप स्ट्रीम में और जो टाइम इसे लगा है डाउन स्ट्रीम में, तो जो अप स्ट्रीम का टाउन है वो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 6 घंटे ज्यादा है। क्या ये बात पकड़ में आई कि सर अप स्ट्रीम के टाइम में से आप डाउन स्ट्रीम के टाइम को माइनस करोगे तब 6 आएगा, है ना, क्योंकि अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, तो इक्वेशन में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, दैट इज सर 12 अपॉन एम माइनस आर माइनस 12 अपॉन एम प्लस आर इज इक्वल टू 6। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार प्लीज चैट के थ्रू बता देना फटाफट से, ठीक है। सर 12 अपॉन एम माइनस आर 12 अपॉन एम प्लस आर इक्वल टू 6। अब सर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फटाफट रफली कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 12m, ये हो जाएगा आपका 12r, ये माइनस का 12m और ये प्लस का 12r। अब होगा क्या सर, 12m से 12m कट जाएगा और ये 24r आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा सर 24r आ गया और अपॉन में m स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और इक्वल टू 6। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है जो अभी मैंने लिखी, उम्मीद कर सकता हूं मैं कि ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। ना, पक्का कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, एक बार बता दो पक्का ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल ज़ैदी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, 24R अपॉन दिस, ठीक है। अब ये कहता है कि इसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, अब इसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया और अब जो ये 12 माइल जाता है और 12 माइल आता है उसमें एक मिनट का, एक घंटे का फर्क है, एक घंटे का फर्क है 1 आवर का, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो सर, डायरेक्ट लिख सकता हूं ना। अब मैं अगला पॉइंट बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकता हूं, कैसे, अब मैं अगला बोलूंगा सीधा, मुझे पता बस m को 2m करना है, तो अगला वाला क्या बनेगा, दैट इज सर 24r अपॉन में 6, सॉरी डबल किया है ना, डबल ही किया है ना, हाँ डबल किया, तो 2m आ जाएगा, डन। तो यहां से क्या आ जाएगा सर 2m का स्क्वायर, क्योंकि बस m को डबल कर दो सर, बाकी एज इट इज लिखो, और अब यहां पर एक, ये दो बातें आपके सामने आ गई, ये दो बातें निकाल दी आपने। अब आपको करना क्या है, कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, आपको आर की वैल्यू बतानी, आपको बेसिकली आर की वैल्यू बतानी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में रेशो बताना था, जो क्वेश्चन 2017 में आया उसमें रेशो पूछा, लेकिन इसके अंदर क्या पूछा, इसमें वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ आर क्या होगा, तो पहले डिवाइड करके अपन रेशो निकालते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक काम करो इन दोनों को डिवाइड कर दो, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, ठीक है,
तो 24 आर अपॉन एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां पर क्या 6 है ना, और यहां पर क्या चल रहा है 24 आर अपॉन 4 एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, दैट इज 6/1 हो जाएगा, है ना, दैट इज 6/1। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, तो अगर मैं यहां पे कैंसिल आउट करूं सर, 24 आर से 24 आर गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो क्रॉस होकर के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 एम स्क्वायर, ठीक है, 6 एम स्क्वायर में से इसे माइनस करूंगा तो 2 एम स्क्वायर आएगा, ठीक, और ये होगा माइनस का 6 एम स्क्वायर, और जो इधर आएगा तो आई गेस 5 आर स्क्वायर, है ना, ये रिजल्ट आ गया मेरे सामने, ये मेरे सामने एक रिजल्ट निकल के आ गया, दैट इज 5 आर स्क्वायर प्लस में 2 एम इज इक्वल टू 2 एम स्क्वायर। मुझे आर निकालना है तो मैं इसको रिप्लेस करके यहां पर इसमें यूज कर सकता हूँ, दोनों में कहीं भी, लेकिन यहां पर यूज कर लेता हूँ, यहां से मैं काम करता हूँ एम निकाल लेता हूँ, मेरा एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 को यहाँ डिवाइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 2.5, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2.5 आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब की बार रेशियो नहीं निकालना, अब की बार ना आर की वैल्यू निकालनी, स्पेसिफिक आर निकालना है, तो अब मैं उठा करके इसमें यूज कर लेता हूँ, इसमें यूज करता हूँ, ठीक है, तो एम स्क्वायर की जगह बस इतना लिखना, तो ये हो गया आपका 24 आर अपॉन में, अगर मैं एम स्क्वायर की जगह लिखूंगा 2.5 आर स्क्वायर, 2.5 आर स्क्वायर, तो 2.5 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर, 1.5 आर स्क्वायर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 6। सर ये जो 6 है, 6 वन जा, और ये इसको कैंसिल आउट करेगा 4 पे, तो यहां से कितना हो जाएगा 1.5 आर स्क्वायर और 4 आर, या फिर आप इसको सिंपल लिखो 4 आर, और ये हो गया 1.5 आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या करा, मैंने आर से इसको काट दिया। अब बच्चा क्या कह रहे, क्वांट मैथ्स नहीं आती आपको, ऐसे थोड़ी कटता है, ये 4 आर है और ये 1.5 स्क्वायर, आपने आर काट दिया, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे नहीं कटता। अरे भैया अगर आप ऐसे काट देते हो तो बस साइड में लिख देना कि 0, मतलब यहां पर एक इक्वेशन है जिसमें लिखा है 1.5 आर स्क्वायर, यहां पर लिखा है 4 आर, मैंने आर आर काट दिया, तो आर आर काटने से क्या हुआ सर, ये तो गलत है, मैथमेटिकली गलत है, काट दिया ना मैंने, मतलब मैं आर 0 ले रहा हूं, अगर मैं ऐसे काटता हूं तो इसका मतलब आर की एक वैल्यू 0 है, ठीक है, हालांकि 0 हो नहीं सकती आर की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि रिवर की स्पीड 0 नहीं होगी। अब इसको डिवाइड कर देना तो आपके आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/1.5 आ जाएगी, यहां से आप डेसिमल हटाना, ऊपर 0 जाएगा, आंसर आएगा 8/3। उम्मीद है ये बात की, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, आप देखो सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं कैट में, सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन कैट में दिख चुके हैं हमें, ठीक है, पर ये बात समझ आई, अग्रिमा वगैरह जो भी है, हर तरह के क्वेश्चन करने, कई बार क्या होता है ना, बींग अ टीचर जब हम लोग यूट्यूब पे आते हैं तो कई बार हमें क्या होता है कि हमें आ करके बस शोशाबाजी करनी, कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको तुम ऐसे ऐसे करके खत्म। अरे बेटा बस इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कर लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 1, ये इधर कटा उधर, आपस में बताने क्या उंगलियों से खेल करके देखो ये आंसर, ये सब फालतू चीजें हैं, ठीक है, कई चीजें जो होती है, ये वाला क्वेश्चन कर दो ऐसे उंगलियां चला के, आप बड़े उंगलियां चला दो, चला के करो ये क्वेश्चन, ये बेटा ये उतना, और अजीब सा कोई लॉजिक दे भी देंगे, ये इतना है उतना है, ये 12, ये 6, 6 का आधा 3 कर दो, 12 पता नहीं क्या बोल के 8/3 निकल लिए, खुद ही खुद में खुश हो गए, ऐसे नहीं होता। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े से लॉन्ग प्रोसेस पे जाते हैं, जो डिमांड करते हैं कि भैया मैं इक्वेशन से ही हूंगा, मेरे लिए 2 छोटी छोटी इक्वेशन बनाओ, फटाक से सॉल्व करो, बजाय इधर उधर के यूनिक से शॉर्टकट निकालने के, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल छोटी सी एक एक लाइन की इक्वेशन बनती है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है, हर जगह पे भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती। डन है, बात क्लियर है सभी को, अग्रिमा वगैरह जो भी बच्चे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर आप देखो तो इसी सेम फॉर्मेट की 2 इक्वेशन दे रखी हैं एग्जाम में, क्या पता 2017 में आया था, क्या पता इस बार रिपीट हो जाए, ठीक है। चलो यार अब आते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे, अब हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, और वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलो आप लोग की 10th क्लास की यादें ताजा कराता हूं मैं, है ना, नहीं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक काम की है यार, ऐसा नहीं बोलना होता कुछ, मैं भी तो करा रहा होता भाई, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 90% क्वेश्चन, मैं भी मानता हूं कि 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप विदाउट इक्वेशन शॉर्ट तरीके से फटाक से कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे, ये मैं मानता हूं, होते भी हैं, मैं खुद भी करा रहा हूं, लेकिन भाई कुछ क्वेश्चन यानी कि 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं
जिनमें कोई यूनिक शॉर्टकट नहीं लगता है, वो क्वेश्चन बल्कि इतने आसान होते हैं ना कि अगर आप इस बात पे क्लियर रहो कि भैया मैं एक नॉर्मल सी क्वेश्चन बनाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी, तो एक्चुअली बात खत्म हो जाएगी, राइट? हम कई बार फालतू में उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जबकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, राइट? बस इसका ध्यान रखना। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों की 10th क्लास की यादें मैं ताजा कराता हूँ, बाकी बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, सीबीएसई में ऐसे ही चलता था, तो मैं आपको सीबीएसई की एक बात बताता हूँ, ठीक है? जैसे हमारा एक क्वेश्चन आता था, देखो उसमें ऐसा कुछ लिखा होता था कि एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, उसे डाउन स्ट्रीम जाने में, मतलब एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर जाती है, फिर अप स्ट्रीम वो 8 किलोमीटर आती है, और उसको टाइम लगते हैं, दैट इज कुछ भी, अभी मैं रैंडम डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, उसे टाइम लगे 4 घंटे, फिर आपकी जो बोट है वो 12 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर वापस आती है, अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर आती है, मतलब आपकी बोट 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर ट्रैवल करती है, टाइम लगे 4 घंटे। आपकी जो बोट है वो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करती है, अप स्ट्रीम ट्रैवल करती है 3 किलोमीटर, टाइम लगे मान लो 2.5 आवर्स। फिर कहता है बताओ आदमी की स्पीड क्या है, रिवर की स्पीड क्या है, ऐसा कुछ पूछता है। तो हम लोग 10th क्लास में एक बढ़िया सी पूरा 1.5 मतलब लगभग 1.5 पेज का मस्त सा सॉल्यूशन लिखते थे, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता था और 6 नंबर अपने पक्के, राइट? किसी को याद आ रही है ये बात? थोड़ी यादें ताजा हो रही हैं ये देख करके जो भी मैंने बोला। हाँ जी, कुछ याद आया देख के, समर्थ वगैरह? बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता था, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों पे कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे बहुत बढ़िया बन जाए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ 3 तरीके, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को डील करने के होते हैं 3 तरीके। पहला तरीका ऐसे, इस चीज को, ठीक है, ऐसे ना स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ढंग से बात को, ठीक है? देखो तो ये स्पेशल टाइप है यार, इसको ध्यान रखना कि एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? सेकंड, ये हट क्यों रहा है बार बार? एक मिनट रुकना। तो अब आप इसे ऐसे लिखना कि अभी हमारा एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशल टाइप का, क्योंकि फॉर्मूला बुक बना रहे हैं ना, उसमें मैंने क्या बोला था, सारे वैरायटी टाइप्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। तो अब एक स्पेशल टाइप है, उसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि ऐसी कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है कि अ बोट गोज, मतलब आपको क्या करेगा, एक मिनट रुक जाओ बस, तो जैसे मैंने कहा अब ये हमारा एक अलग टाइप है, ठीक है, और इस टाइप को हम लोग ढंग से लिखेंगे। इसमें होता क्या है, ऐसा कुछ बोलेगा, अ बोट ट्रैवल कुछ भी, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, लिख दो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन T1 आवर्स। फिर एक और स्टेटमेंट देगा, फिर उसके बाद सेम बात कि बोट ट्रैवल एक्स किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड वाई किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन T2 आवर्स, इन T2 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोलेगा फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड ऑफ मैन और रिवर, मैन या रिवर किसी की एक की स्पीड आपसे पूछेगा कि भाई आदमी की स्पीड क्या बताओ, रिवर की स्पीड क्या, ऐसे करके कि एक बोट है जो इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, टाइम लगता है T1। फिर बोट इतने किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, टाइम लगता है T2। बताओ कि बोट की स्पीड या फिर रिवर की स्पीड क्या, व्हाटएवर। ऐसे क्वेश्चन को करने के ना 3 मेथड होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे करने को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला वही अपना ट्रेडिशनल मेथड, इक्वेशन बनाओ। सबसे पहला होता है इक्वेशन, इक्वेशन बना के डील करना। एक होता है आपका हिट एंड ट्राई, एक होता है आपका हिट एंड ट्राई, और एक होता है, इसको मैं क्या बोलूं, स्पेशल मेथड लिखता हूँ बस, इसका मैं क्या ही नाम दूं, बस स्पेशल ट्रिक लिखो, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन।
एक स्पेशल ट्रिक होती है इसको डील करने की, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है नॉर्मल इक्वेशन करना, एक होता है हिट एंड ट्राई करना, एक होता है जो एक बड़ी स्पेशल ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा उसकी जरूरत कब पड़ती है और कब लगानी है, ठीक है। देखो अब आ जाओ डेटा पे, क्वेश्चन में डेटा ही लिखा हुआ है। सबसे पहला उठाते हैं, अ मैन कवर 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, फिर कहता है वो ट्रैवल करते हैं 64 किलोमीटर अप स्ट्रीम 87 डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, बताओ बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है। सिंपल, आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर देखो मान लो अप स्ट्रीम स्पीड यू है और डाउन स्ट्रीम स्पीड है डी, जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो है यू और डाउन स्ट्रीम स्पीड है डी। तो आपने बोला सर अगर ये 39 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड है यू तो टाइम कितना लगेगा, 39 अपॉन यू। सर वो डाउन स्ट्रीम आता है 116, डाउन स्ट्रीम स्पीड है डी तो टाइम कितना लगेगा, 116 अपॉन डी। अब सर दोनों का जो सम है क्योंकि जो टोटल टाइम है वो कितना है 7 है। फिर ऐसे ही सर वो 65 अप स्ट्रीम जाता है, टाइम लगा 65 अपॉन यू और यहां पर टाइम लगेगा 87 अपॉन डी एंड दैट इज इक्वल टू कितना 8। अब या तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ट्रेडिशनल मेथड पे जाओ, या फिर आप यहां पर एक छोटा सा हिट एंड ट्रायल करो। आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, ये सबसे बेस्ट होगा ऐसे डेटा में, और अभी आपको समझ आएगा हिट एंड ट्रायल कब करना है और वो जो मैंने स्पेशल ट्रिक बोली वो कब लगानी है, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल से आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि सर मैं काम करता हूं, मैं ना अप स्ट्रीम, क्योंकि सर इक्वल टू में इंटीजर है 7 और 8, 7 8 एक इंटीजर है, मतलब सर जो भी मेरी अप स्ट्रीम स्पीड है वो 39 और 65 दोनों को काटेगी और जो मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो 116 और 87 दोनों को काटेगी। तो आप ना अप स्ट्रीम एक ऐसा नंबर लो, आप अप स्ट्रीम एक ऐसा नंबर लो जो 39 और 65 को कैंसिल आउट कर दे। मैंने क्या बोला, अप स्ट्रीम एक ऐसा नंबर लो जो 39 और 65 दोनों को काटे, बताओ कौन सा नंबर लूं मैं, चैट में बताओ एक बार आपके हिसाब से मैं अप स्ट्रीम क्या नंबर लूं, क्योंकि अप स्ट्रीम एक ऐसा नंबर है जो 39 और 65 को डिवाइड कर रहा है ना। तो ऐसे करके सोचो, बताओ क्या नंबर लूं मैं, 30 कि सर अपस्ट्रीम 13 ले लूं, अपस्ट्रीम आप 13 ले लूं। अब एक बात बताओ, अगर मैंने अपस्ट्रीम लिया 13, अगर मैंने अपस्ट्रीम 13 लिया तो 13 इस 39 को काटेगा कितना आएगा सर, 3 आएगा, 13 39 को काटेगा 3 आएगा। अब अगर यहां 3 आ रहा है और इक्वल टू में 7 है तो यहां पर आना चाहिए 4, यस और नो भाई, सही बात है। अगर मैंने इसको 13 लिया तो 39 13 से कटेगा 3 आएगा, अब अगर यहां 3 है तो यहां 4 होना चाहिए तभी तो 7 आएगा, तभी आएगा 7। अब एक बात बताओ, D की क्या वैल्यू लूं, D की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि 116 D से कटने पे 4 आ जाए, या सिंपल एक काम करो 116 को 4 से डिवाइड करो, 116 को 4 से करोगे 29 आएगा। तो आपने क्या करा, यहां पे आपको समझ में आया कि भाई D की वैल्यू 29 होगी, लेकिन आपने नीचे वाली इक्वेशन क्रॉस चेक कर ली जस्ट टू श्योर कि भैया मैं बिल्कुल सही तो सोच रहा हूं, श्योरिटी के लिए आपने लास्ट वाला चेक किया, यार अगर मैं यहां पर इसको 13 लूं और इसको 29 लेता हूं क्या 8 आएगा, 13 65 को 5 पे काटेगा, 29 87 को 3 पे काटेगा और 5 और 3 8 होता है, यानी आपने बिल्कुल सही सोचा। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल करना। लेकिन ये हिट एंड ट्रायल कब लगता है, जब इक्वल टू में इंटीजर हो जैसे 7 8, क्योंकि वहां हम इस बात को लेके श्योर हो जाते हैं कि भाई जो 39 है वो और जो 65 है 39 65 यू से कटेंगे, इस बात को लेके हम श्योर हो जाते हैं। तो अगर नंबर ऐसे जैसे 7 8 या 0.5 पे भी काम बन जाता है, 7.5 8.5, तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना, इक्वेशन मत बना, हिट एंड ट्रायल से ही करना, जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगर यू की वैल्यू 13 और डी की वैल्यू 29 तो क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट, तो बोट की स्पीड क्या होगी सर, दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दो 42 से 21, बोट की स्पीड होगी 21, क्या ये बात क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है सभी को, राइट। तो ये तो हो गया हिट एंड ट्राई, ठीक है। आप करना, आपके ना बुक में दिखेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे, और ऐसे क्वेश्चन को लेके बच्चे बड़े परेशान रहते हैं लास्ट टाइम भी कि सर वो जो क्वेश्चन आते हैं उनके कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, जिसमें सर ऐसा होता है इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम गए इतना डाउन स्ट्रीम गए ये टाइम लगा, इतना अप गए इतना डाउन गए ये टाइम लगा, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है। तो एक तो हिट एंड ट्रायल हो गया, ठीक है, आगे हिट एंड ट्रायल से इंटीजर है। अब आपको मान लो एक क्वेश्चन दिखा, जैसे कैट का पीवाईक्यू नहीं है बट किसी एग्जाम में ही आया हुआ है, मैं उस एग्जाम को लेकर श्योर नहीं हूं, बट ये एक पीवाईक्यू है, ठीक है, किसी अदर एमबीए एंट्रेंस का ये एक पीवाईक्यू है। अब क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी, क्या इसमें लग जाएगी आपकी शॉर्ट ट्रिक, अभी जो हमने हिट एंड ट्रायल किया, अभी जो अपन ने हिट एंड ट्रायल किया, क्या वो यहां लगेगा। देखो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम 2 आवर 54 मिनट,
यानी सर मान लो मैं 40 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम, तो मुझे टाइम कितना लगा, मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लो डी है, तो सर 40 अपॉन डी प्लस 32 अपॉन यू, सर टाइम कितना लगा, 2 आवर 52 मिनट, 2 आवर 54 मिनट। फिर सर मैं जाता हूँ 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो सर 10 अपॉन डी प्लस 4.5 अपॉन यू, और सर कितना टाइम, 38 मिनट। क्या यहां लगेगा, आपको लगता है यहां पर आप लगा पाओगे, क्या यहां पे हिट एंड ट्रायल लगा पाओगे? टाइम देखो कितना अजीबोगरीब टाइम दे रखा है, 38 मिनट है अभी, तो उसको आर्स में करोगे, 38 मिनट को आर्स में करोगे, 38 अपॉन 16 कैंसिल आउट किया, 19/20, ठीक है। 2 आवर 54 मिनट को भी कन्वर्ट करोगे, ये जो 2 आवर 54 मिनट है इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, अगेन फ्रैक्शन, तो ये तो हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा सर, क्योंकि यहां पर कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपका यू है वो 40 और 10 को काटेगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपका यू है वो 32 4.5 को काटेगा, या जो डी है वो 40 और 10 को काटेगा, कंप्लीट काटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इक्वल टू में इंटीजर नहीं है, तो यहां फंस गए। और मैं सच बताऊं, इसे इक्वेशन से करोगे तो भी फंसोगे, ये तो इक्वेशन से भी आपको फंसा देगा, क्योंकि डेटा ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 38 मिनट से बना 19/20, यहां से 2 आवर 54 मिनट को आर्स में बदलोगे एक और फ्रैक्शन, तो ये तो इक्वेशन से भी टफ हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन से भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अब मैं आपको एक मस्त तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को डील करने का, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, फील आएगा, लेकिन 5 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है, शुरू करूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फोकस करेंगे। देखो इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर्स के साथ खेलना। अब मैं आपको नंबर्स के साथ खेलना बताता हूं, ध्यान से देखो, डाउनस्ट्रीम कितना ट्रैवल किया है सर, 40, अपस्ट्रीम कितना ट्रैवल किया है सर, 32, टाइम कितना लगा है सर, 2 आवर 54 मिनट, 2 आवर 54 मिनट का मतलब होता है सर 174 मिनट, ठीक है। सेकेंड केस में डाउनस्ट्रीम ट्रैवल किया 10, अपस्ट्रीम ट्रैवल किया 4.5, टाइम कितना लगा सर, 38 मिनट। अब एक काम करो, आपको जो बात करनी है वैसे आपको बात करनी है अपस्ट्रीम पे, और अगर ना भी बोला होता तो बेसिकली किसी एक डेटा को सेम कर दो, चाहे डाउन को सेम कर दो चाहे अप को कर दो, ज्यादा इजी क्लियरली दिख रहा है सर, डाउन को सेम करना ज्यादा बेटर है, कि डाउन को ना दोनों केस में सेम कर देते हैं। यहां पर सर 40 लिखा है, यहां पर 10 लिखा है, तो सर एक काम करते हैं, ये जो पूरे का पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करो 4 से, और इस पूरे पार्ट को एज इट इज रहने दो, एज इट इज मतलब 1 से, एज इट इज रखना मतलब 1। तो अब देखो सर, ये डाउन अप टाइम, सर इसको तो मत छेड़ो, ये तो 40 32 174, सर यहां पे 4 मल्टीप्लाई करो, 40 4.5 को 4 से करोगे तो 4.5 का डबल 9, 18, तो कितना आ गया 18, और 38 4 जा कितना होता है सर, 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी गया, और ये हो जाएगा 12 3 15, यानी कि 150, सही है जी बात। अब जरा दोनों को ऑब्जर्व करो, अब ये जो आपने लिखा ना, अब ये जो आपने लिखा है ना, अब जरा इसको ऑब्जर्व करो सर, अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, देखो यहां लग रहे हैं 174 मिनट, पहला केस है जिसमें आपको 174 मिनट लग रहे हैं, किसमें 174 मिनट लगे आपको, क्या करने में लगे 174 मिनट सर, डाउन स्ट्रीम 40 जाने में और अप स्ट्रीम 32 ट्रेवल करने में मुझे 174 मिनट लगे, अच्छा अगली बार सर 152 मिनट लगे, क्यों लगे सर, मैं अप गया 40 और डाउन गया 18, तो मुझे 152 मिनट लगे। तो मैंने कहा कि भाई यहां जो आपको, यहां पर ये जो आपको लग रहे हैं एक्स्ट्रा कितने, ये जो आपको एक्स्ट्रा 22 मिनट लग रहे हैं, ये जो आपको एक्स्ट्रा 22 मिनट लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा 22 मिनट किसमें लग रहे हैं, डाउन तो आप पहले भी 40 थे, अब भी 40 हो, डाउन तो आप 40 जा रहे हो, पहले भी 40 अब भी 40, तो ये 22 मिनट किस चीज में लग गया एक्स्ट्रा। आपने कहा सर क्योंकि मैं अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं, ये 22 मिनट मुझे एक्स्ट्रा किस चीज में लग गए, दैट इज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में, आई बात पकड़ में, कि सर मैंने 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, उसमें मुझे 22 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि सर अप स्ट्रीम वाइज मुझे 14 किलोमीटर ट्रेवल करने में 22 मिनट लगते हैं,
अब अगर मेरे से पूछा जाता अप स्ट्रीम स्पीड, तो मैं यहां से स्पीड निकाल लेता अप स्ट्रीम की, फिर डाउन भी आती, फिर मैं रिवर या मैन बता देता। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पूछा बताओ 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा। तो अगर 14 किलोमीटर ट्रैवल करने में मुझे 22 मिनट लगते हैं, तो सर 35 ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? इस 14 को 35 बना दो, कैसे बनेगा? 35 को 14 से डिवाइड करो, कितना आएगा? सर 5/2, 5/2, 5/2 मतलब 2 पॉइंट, या चलो 5/2 लिख लो। जब आप 14 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, तो सेम 5/2 आप यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर कितना आएगा? 55 मिनट। तो इसका आंसर आया 55 मिनट। और ये चीज मैंने देखी है, मैं आपको बताता हूं, आज तक जितने भी एंट्रेंस में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है बोट एंड स्ट्रीम का, जहां पर टाइम बहुत अजीबोगरीब दिया होता है। मतलब ये वाला क्वेश्चन कि इतना डाउन गए इतना अप गए इतना टाइम लगा, इतना डाउन गए इतना अप गए इतना टाइम लगा, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहां पर टाइम बहुत अजीबोगरीब दिए होते हैं, वहां पर मैंने हमेशा देखा वो बोट या रिवर की स्पीड नहीं पूछते, वो हमेशा ये पूछते हैं कि बताओ अप स्ट्रीम इतना किलोमीटर ट्रैवल करने में क्या टाइम लगेगा, या डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि शायद वो भी जानते हैं कि इक्वेशन से इक्वेशन नहीं करना, इक्वेशन से तो फंस जाओगे, इतना शायद उन्हें भी पता है, इसलिए वो इस तरह की चीजें पूछते हैं। क्या ये समझ आया सभी को? एक बार बताओ सयन। नहीं नहीं सयन, इंटीजर जो बनाना है वो टाइम को बनाना है, टाइम अगर इंटीजर होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। पर ये समझ आया सभी को? एक बार बताना चैट के थ्रू। समर्थ वगैरह सबको समझ आ गया? तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इतना किलोमीटर अपस्ट्रीम इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फलाना टाइम लगा, इतना अपस्ट्रीम इतना डाउनस्ट्रीम फलाना टाइम लगा, नॉर्मल है, इक्वेशन बना के मत करना। अगर डेटा आसान है, यानी कि जो टाइम है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है जिसमें जो टाइम है वो इंटीजर है, जैसे 7 किलो, 7 आवर, 8 आवर्स, या चलो 0.5 भी है, 7.5 आवर्स, 8.5 आवर्स, हिट एंड ट्रायल करना, बड़े प्यार से आंसर आता है, हिट एंड ट्रायल से फटाक से आंसर आ जाता है, कोई टाइम नहीं लगता ज्यादा। लेकिन अगर आपका ऐसा डेटा है जिसमें टाइम बहुत ही अजीबो गरीब सा दे रखा है, जैसे 2 आवर 54 मिनट या 38 मिनट, तो वहां पर क्या करना, किसी एक चीज को सेम करना, जैसे मैंने डाउन को सेम किया, फिर मैंने देखा एक्स्ट्रा 22 मिनट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा हूं, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात क्लियर है। बढ़िया, ये था सर आपके फॉर्मूला बुक का, ठीक है? तो आज फॉर्मूला बुक की क्लास नंबर 8 मैंने आपको कराई, और फॉर्मूला बुक की क्लास नंबर 8 में आज मैंने बोट एंड स्ट्रीम की पूरी कहानी आपके सामने खत्म करी है। बोट एंड स्ट्रीम में एक बार तरीके से अगर कोई बच्चा 20 सेशन में आया तो पूरी रिकॉर्डिंग देखना, 2 घंटे का सेशन हुआ है, पर इस 2 घंटे के सेशन में बोट एंड स्ट्रीम के हर एक कॉन्सेप्ट हर एक पॉइंट पे मैंने बात करी है। तरीके से नोट्स बना लेना, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स तरीके से बना लेना, ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन में हेल्प हो, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो बातें आपको बड़े प्यार से समझ में आ रही है ना, 1-2 महीने बाद हम भूलने लग जाते हैं। तो इस फॉर्मूला बुक को बनाने का पर्पस ही ये है, ताकि मैं हर चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पेज के नोट्स बनवाऊं, और उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक वगैरह विद क्वेश्चंस भी हो, और क्वेश्चन जो हो वो प्रीवियस ईयर हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ताकि वो और ज्यादा ऑथेंटिसिटी बने, और कभी भी हमको रिवाइज करना हो तो हम पूरे के पूरे बड़े बड़े सेशन ना देखें, बस हम उन 5-6 पन्नों को पलटे और अपने चैप्टर के सारे वैरायटी कॉन्सेप्ट वगैरह को रिवाइज कर ले। ये बस पॉइंट है इन फॉर्मूला बुक सेशन का। आज हमने बात करी बोट एंड स्ट्रीम पे। कुछ बच्चे अगर नए कनेक्ट हुए तो मैं बता देता हूँ, मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराया, फिर मैंने लॉक की ट्रिक्स के ऊपर बातें करी, ठीक है? फिर मैंने एक परसेंटेज का पॉइंट उठाया था, दैट वॉज सक्सेसिव परसेंटेज, इसके ऊपर मैंने बात करी थी, और आज मैंने जो बात करी है वो करी है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है? चल, तो ऐसे करके और टॉपिक मैं ले लेके आपके आगे आते रहूंगा, ठीक है? बाकी यार अगर, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, 2 सजेशन बस मेरे ये होंगे कि अगर आप मेरे कोई पुराने जैसे वन शॉट वगैरह देखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कोई अपडेटेड मतलब कोई क्लास में रख रहा हूँ, ठीक है, तो उसको जरूर देखना, क्योंकि जब हम कोई चैप्टर नया चैप्टर अभी जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यार अपने कॉन्टेंट को अपडेट करूंगा मैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, थोड़े और कुछ पॉइंट अगर निकल के आ रहे हैं तो और अच्छे अच्छे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो आप लोग यार आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है? या फिर आप रिव्यू ले सकते हो। अब मैं चीज का क्या बोलूं, वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में ना लगे ज्यादा, तो आप एक काम करो, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वो मेरी सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस लेते हैं, तो एक बार उनसे रिव्यू ले लेना, आपको थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंग डिसाइड करना, ठीक है? और अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके पास 5 मंथ है, जिसे आप बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा जो एक बैच है वो 10 जुलाई के आसपास स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी करंटली 29 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, और आप इन बैचेस में जाकर के प्रॉपर इनरोल करो, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे,
क्लासेस की प्रॉपर टाइमिंग होगी, है ना, असाइनमेंट्स मिलना, प्रॉपर कोर्स को इन डिटेल इन डेप्थ पूरा कंप्लीट कराना, और सर 5 महीने में कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाएंगी, है ना, तो वो हमारी हेडक है कि वो आपको कैसे कराना है, डन है, तो इसका ध्यान रखना। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के प्रॉपर बैचेस को ज्वाइन कर लेना, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना अगर आप कैट 23 के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 19,500 का पड़ेगा, और अगर आइकॉनिक ले दो तो 30,000 के आसपास का ये आपका रहेगा। और अगर मैं बात करूं दैट इज 24 के ऊपर, तो अगर आप कैट 24 के स्टूडेंट हो 23,000 के आसपास, अदरवाइज 40,000। रेफरल कोड आप ध्यान रखना, मेरा रेफरल कोड है RMN10, मेरा नाम रमन है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है RMN10, तो इस कोड का यूज कर लेना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, ठीक है, जो भी 25% मिल रहा है वो आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 जून लास्ट डेट है, इसका ध्यान रखें। बैचेस का मैंने आपको बता दिया, बाकी यार अगर आप पहले 50 लर्नर में से हो जो आइकॉनिक लेता है, और अगर आपने कोई IM कन्वर्ट किया, तो आपको 100% का फी रिफंड हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें। 100 प्लस बच्चे जिन्होंने IM ब्लैक ही कन्वर्ट किया, 650 प्लस बच्चे थे जो अदर टॉप MBA कॉलेजेस में पहुंचे। 29th जून को टारगेट अचीवर बैच है कैट 23 का, और एक है मेरा 15th जून को, दैट इज नाइट बैच, डन। और सर 15th जून को एक और बैच है, दैट इज बेल द कैट, तो वो भी आप देख लेना। सब्सक्रिप्शन है दो तरीके के, प्लस और आइकॉनिक। प्लस के अंदर आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स PDF, डिजिटल नोट, 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनअकैडमी कम्युनिटी, आस्क अ डाउट, मतलब हैंड रेस करो, माइक ऑन करके डाउट पूछो। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको 8 फिजिकल बुक्स मिलेंगी, GDP पे बैठ के लिए प्रिपेयर करा जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप, आस्क अ डाउट व्हिच इज अ कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग, ठीक है, डिस्कॉर्ड, एंड प्लस के सारे बेनिफिट तो उसमें है ही, ठीक है, एंड अनअकैडमी के नोट्स, इन सभी बातों को ध्यान में रख के बनाए गए, जैसे कि सेपरेट कंटेंट रखा गया ZFFT, स्नैप, NMAT वगैरह के लिए, डन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है unacademy_raman, और ये मेरा रेफरल कोड है, सब्सक्रिप्शन के वक्त यूज करना ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, जो भी अनअकैडमी से चल रहा है, 10, 20, 50 व्हाटएवर जो डिस्काउंट है, आप बस कोड यूज कर लेना, ठीक है। शुक्रिया आप सभी बच्चों का, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना ये फॉर्मुला बुक नाम की जो सीरीज है, ताकि लोगों को पता हो इसके बारे में और ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो, तो मेरे को भी फील आता है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, टेक केयर जी, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की वार्तालाप कल करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेशन क्या होगा सर? नेक्स्ट सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे चाहिए, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मुझे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे मैं 1 by 1 फटाफट से उनको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।